स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चैप्टर सेवन सीएसडब्ल्यूटी बैच फर्स्ट क्लास ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट, कि एनीथिंग विच इज इंटरैक्टिव एंड विच इज रिलेटेड टू योर बिजनेस। कोई भी आप एंटरप्राइज या बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या रन कर रहे हो, तो आपकी इमीडिएट विजिबिलिटी में जो जो होता है, जैसे आपके साथ कौन होता है, आपके कंपनी के साथ या आपके फर्म के साथ आपका एक सप्लायर होता है, ठीक है। वो अच्छा है, बुरा है, कोऑपरेटिव है, नॉन कोऑपरेटिव है, कैसा है, वो आपके एनवायरमेंट में होता है। तो बिजनेस एनवायरमेंट इज एनी थिंग विच इज रिलेटेड टू योर बिजनेस। सो सप्लायर इज वेरी मच रिलेटेड टू योर बिजनेस। इट कैन बी बैंक जिससे आपने लोन लिया है, ठीक है, तो वो भी आपके बिजनेस डिसीजंस को इफेक्ट करता है। तो एनीथिंग जो आपके पॉलिसी मेकिंग, बिजनेस डिसीजन मेकिंग में मदद करे, हेल्प करे, या उसको डिसीजन लेने में या अगेंस्ट जाने में जाए, तो एनीथिंग विच अफेक्ट्स योर डिसीजन मेकिंग एज अ पर्सन, एज अ पार्टनर, एज अ बिजनेसमैन और एज अ कॉर्पोरेट, वो होता है आपका बिजनेस एनवायरमेंट। साथ में ऑफकोर्स योर कंज्यूमर्स, कंज्यूमर कैसे हैं, किस कैटेगरी के हैं, किस क्वालिटी के हैं, किस सोशल कल्चर को बिलोंग करते हैं, कैसा पैटर्न है पॉपुलेशन का, ये सब आपके बिजनेस एनवायरमेंट ही है। तो व्हाट इज बिजनेस एनवायरमेंट, बिजनेस एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू इंटरैक्ट एंड ट्रांजैक्ट विथ इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब मैं सिर्फ नेचर की बात नहीं कर रही, यहां बिजनेस एनवायरमेंट की बात हो रही है, तो नॉट नेचर, ठीक है। नेचुरल चीजें के अलावा रोड्स भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, गवर्नमेंट भी होता है, सेल्समैन भी होते हैं, आपके कस्टमर्स भी होते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ, जो आपके बिजनेस डिसीजंस को हेल्प करें, ठीक है। सो बोथ बिजनेस एंड एनवायरमेंट आर टोटली इंटर रिलेटेड एंड दे आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट। बिजनेस एनवायरमेंट रेफर्स टू दोज एस्पेक्ट ऑफ द सराउंडिंग बिजनेस विच अफेक्ट इट्स ऑपरेशन एंड डिटरमिन्स इट्स इफेक्टिवनेस। तो इट इज अप टू यू, आप जैसे ऑर्गेनाइजर है, बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, इस एंटरप्रेन्योर का काम ही क्या होता है, काम यही होता है कि उस एनवायरमेंट को जो नेगेटिव लग सकती है उसको वो पॉजिटिव बनाए, थ्रेट को अपॉर्चुनिटी बनाए, ठीक है। लॉकडाउन वॉज अ थ्रेट, तो हर बिजनेस एनवायरमेंट, हर बिजनेस डिसीजन लॉकडाउन से अफेक्टेड हुआ, लेकिन किसी ने लॉकडाउन को पॉजिटिवली लिया और लॉकडाउन को ही अपॉर्चुनिटी बना दिया, उल्टा किसी के लिए वही थ्रेट बन गया, बिजनेस को अब गिरते हुए भी आपने देखा, ठीक है। तो आप अपने एनवायरमेंट को कितना अच्छे से डिसाइफर, कितना अच्छे से समझ पाते हो, कितने अच्छे से उसको आप इंटरप्रेट करके, एनालाइज करके, प्रेडिक्ट कर पाते हो, उस पर आपका फ्यूचर सक्सेस डिपेंड करेगा। एनवायरमेंट क्या है, एनवायरमेंट चेंजेबल है, ऐसा तो नहीं कॉन्स्टेंट है, चेंज होता रहता है, लेकिन चेंज को यदि आपने प्रेडिक्ट कर दिया और प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट करेक्ट यदि है, जितना क्लोज टू करेक्टनेस होगा उतना आपका डिसीजन अकॉर्डिंगली करेक्ट होगा, क्योंकि आपने कुछ सोच के रखा है। जैसे यदि हमने ये सोच के, सपोज NKJ नितेश कुमार जायसवाल CS क्लासेस, हम यदि ये सोच के रखे हैं कि चलो अभी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कुछ ऑफलाइन में आ रहे हैं, लेकिन आज नहीं तो कल वैक्सीनेशन सबको होगी, वैक्सीनेशन सब लेंगे, वैक्सीन सब लेंगे, तो धीरे धीरे सब निकलेंगे घर से, निकलेंगे तो हम मई जून एक्सपेक्ट करें, मई में एग्जाम है, किसका एग्जाम है, प्लस टू का एग्जाम है, प्लस टू के बाद स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे, तो उस एडमिशन में तो हम जून जुलाई, सपोज जुलाई, तो जुलाई में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चे आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है। तो हमने इतना प्लान कर लिया जुलाई का, अगस्त अटेम्प्ट होने वाला है, उसके बाद नवंबर, तो हमारे लिए अब टारगेट क्या है, नवंबर अटेम्प्ट। जुलाई में जो आएंगे ऑफकोर्स अगस्त अटेम्प्ट वाले नहीं आएंगे, वो आएंगे सीधे नवंबर अटेम्प्ट, तो हम तैयारी नवंबर अटेम्प्ट से कर, नवंबर अटेम्प्ट के लिए कर रहे हैं, अभी तो फरवरी चल रहा है या मार्च चल रहा है, ठीक है। तो ये जो हमने प्लानिंग कर लिया, देयर विल बी चेंज, देयर विल बी डायनामिज्म, देयर विल बी चेंज ऑफ पॉलिसीज, एंड अकॉर्डिंगली वी विल रिएक्ट एंड वी आर प्रिपेयरिंग, ये हमारे सक्सेस को या फेलियर को डिटर्मिन करेगा। यदि हमने जो सोचा वही हुआ तो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल है, नहीं हुआ, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस डिसीजन, उसका उसका राइज एंड फॉल यदि हम देखें, तो ये जो फिल्म मेकिंग चल रही है, बेचारों की क्या हालत है, क्या सोच के वो बना रहे हैं,
तो यदि वो सोच रहे हैं कि नहीं नेक्स्ट दिसंबर तक जनवरी तक कुछ अच्छा होगा, तब तक यदि वो डिले कर देते हैं प्रोजेक्ट को तो उनको कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। और अभी ओटीटी पे रिलीज कर दिया तब भी उतना सक्सेस नहीं होने वाला, तो कितना प्रेडिक्शन अब कर पा रहे हो, कितना इंटरप्रेट कर पा रहे हो, कितने उस एनवायरमेंट को अपने तरफ लेके फेवरेबल कर पा रहे हो, उस पर आपका सक्सेस डिपेंड करता है। तो कोई भी बिजनेस एफडीआई यदि इंडिया में आ रही है या आप इन्वेस्टमेंट बुला रहे हो आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, तो वो जो आएगा, जो कंपनी आएगी इससे रिलेटेड, वो क्या सोचेगी कि गवर्नमेंट उसको कितना सपोर्ट देगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी एनवायरमेंट में आता है, ठीक है, इकोनॉमी में कितना सोशल, कितना सही से सोसाइटी चल रही है, सोशल फैक्टर्स कैसे हैं, यहाँ यदि राइड्स ज्यादा होते हैं, धरने ज्यादा होते हैं, स्ट्राइक ज्यादा होती है, कौन आएगा यहाँ बिजनेस करने, क्योंकि वो मेरे बिजनेस डिसीशंस को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो एक इमेज, इंटरनेशनल इमेज भी होती है, तो ये सब चीजें गवर्नमेंट को ठीक करनी पड़ेगी या कर रही है, तभी तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एक वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आता है, वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहा, तो इंडिया में बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि आपको सोसाइटी के साथ लड़ना पड़ता है, वहां की इमीडिएट जो बिजनेसमैन है उनसे लड़ना पड़ता है, लोकल पीपल से लड़ना पड़ता है, गवर्नमेंट से लड़ना पड़ता है, सेंट्रल एंड स्टेट से लड़ना पड़ता है, कितनी सारी चीजें हैं, उसके बावजूद आपको यहाँ बिजनेस करना, तो ये सारी चीजें यदि मुझे कोई पॉजिटिव कर दे, पैकेज में दे दे, तो नेचुरली मेरा बिजनेस फ्रॉम डे वन ही अच्छा चलता रहेगा। तो यही सब चीजें इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले, ठीक है। तो डेफिनेशन है डेविजन एंड्रयूज, नॉट नेसेसरी, क्योंकि यहाँ क्या है, डेफिनेशन गिवन होगा, आपको आइडेंटिफाई करना है किसने दिया है, याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो और अच्छा है। नाम याद यदि आपको रहते हैं तो याद कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। अब देखो, बिजनेस एनवायरमेंट इज ऑलवेज चेंजिंग एंड अनसर्टन, यही तो सबसे बड़ा रिस्क है, जो एनवायरमेंट चेंज होता हो, जो और चेंज होगा भी, तो जो चीज इतनी चेंज होती है वो तो अनसर्टन है, होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, और अनसर्टेनिटी से ही रिस्क आता है, ठीक है। तो रिस्क को आप कितना फ्रूटफुल करते हो, रिस्क लोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे, रिस्क को नहीं लिया, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म डिफेंड कर रहे हो तो कितना स्कोर हो पाता है, लेकिन एग्रेसिव होके खेला तभी तो जीता ना, ठीक है। तो रिस्क यदि मैंने लिया है तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, रिस्क यदि मैंने नहीं लिया है तो हम नहीं बढ़ पाएंगे, रिस्क इसलिए क्योंकि वो अनसर्टेन है, कल क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन यदि मैंने रिस्क को, रिस्क भी कैलकुलेटिव रिस्क होता है, आप कितना कैलकुलेट कर पा रहे हो, कितना एनालाइज कर पा रहे हो। तो बिजनेस एनवायरमेंट इज ऑलवेज चेंजिंग एंड इट इज अनसर्टेन, और इसी के वजह से इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपके पास एक ऐसी मैनेजमेंट हो, ऐसा टीम हो जो इस अनसर्टेनिटी को पहले से देख पाए, ठीक है। तो अनसर्टेन है, व्हाट आर द फीचर्स, तो इसीलिए अनसर्टेनिटी से ही क्या होता है, रिस्क होता है, थ्रेट होता है, सब चीजें जो है वो इसी चीज से ही रिलेटेड है कि बिजनेस एनवायरमेंट इज डायनामिक, इट इज अनसर्टेन, एंड देयरफॉर देयर इज रिस्क एसोसिएटेड विथ इट, देयर इज अ थ्रेट एसोसिएटेड विथ इट, इट इज अप टू यू एंड योर टीम मैनेजमेंट एंड जो रिस्क एंड रिसर्च R&D टीम होती है उस पर डिपेंड करता है कि वो आप कितना प्रेडिक्ट कर पाते हो। सो इंटरनल एक्सटर्नल, बिजनेस एनवायरमेंट में सारे एक्सटर्नल फोर्स लाइक डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली जो आपके बिजनेस गवर्नमेंट को या ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करे वो आपके बिजनेस एनवायरमेंट है। इसमें से सबसे, इस पेज में से या इस चैप्टर में से जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आया, अगस्त अटेम्प्ट, नवंबर एंड जान, तीन अटेम्प्ट हो चुके हैं, तीन अटेम्प्ट में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं इस वाले एरिया से, ये टिक कर रहे हो तो कर लो, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स, आपको फोर्स गिवन होगा, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कौन सा स्पेसिफिक है, कौन सा जनरल फोर्स है, ठीक है, कौन सा स्पेसिफिक है, कौन सा जनरल फोर्स है। जनरल फोर्स है पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, ये सारे आपके जनरल फोर्स हैं, और स्पेसिफिक कौन है, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कंपटीटर्स, सप्लायर्स, ये स्पेसिफिक आपको गिवन होगा, आपको बताना है इनमें से कौन से जनरल है, कौन से नॉट जनरल है स्पेसिफिक का। तो सप्लायर, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक टू योर बिजनेस डिसीजन। कोई बैंक, ऐसे बैंक ऑफ इंडिया ने आपको लोन दिया है, अचानक वो अपनी पॉलिसी बदल दे तो वो आपके बिजनेस डिसीजन को डायरेक्टली इफेक्ट कर गया,
ठीक है, तो इट इज वेरी स्पेसिफिक फोर्स. लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी बदली है, आपको इफेक्ट करे कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत देर भी हो सकती है, उसको इमीडिएट आपको इफेक्ट नहीं करेगा. ठीक है, तो वो थोड़े से जनरल फोर्स होते हैं. मानते हो ये बात कि पॉलिटिकल फैक्टर्स आपको इन्फ्लुएंस करती हैं? ऋषभ, पॉलिटिकल फैक्टर्स आपको इन्फ्लुएंस करती है आपके बिजनेस डिसीजन को, ये मानते हो? मतलब इन बीजेपी आए तब भी, कांग्रेस आए तब भी, इसका मतलब दोनों से आपको हाथ मिला के रखना पड़ेगा. बात तो वही हुई है ना. तो बिजनेसमैन के लिए बहुत थिन लाइन होती है कि अभी यदि वो ओवर फ्रेंडली हो जाए बीजेपी के साथ या एनडीए के साथ, क्या पता है कल क्या होगा. और कल आके यदि उसी गवर्नमेंट ने, दूसरे गवर्नमेंट ने बोला, अरे भैया तब तो बड़ी दोस्ती हो रही थी, अब देखो मजे. तो ये रिटेलिएशन हो सकता है. तो वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू डू बिजनेस इन इंडिया, बिकॉज पॉलिटिकल, जिसको हम बोलते हैं विंडिक्टिव एटीट्यूड है. ठीक है, ऑपोजिट एटीट्यूड होता है कि मैंने बनाया कुछ पॉलिसी, आप आते ही उसको चेंज कर देते. सो पॉलिटिकल फोर्स, सोशल फोर्स, टेक्नोलॉजिकल, फिर आता है सारे फोर्सेस आपस में ये और प्रॉब्लम, इंटर रिलेटेड, सोशल, पॉलिटिकल, बाप रे बाप, ये सब इतने इंटर रिलेटेड है. टेक्नोलॉजिकल, ये सारे आपस में इंटर रिलेटेड है. लीगल डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट डेफिनेटली उसका एक सोशल फैब्रिक होता है. कोई भी आप लॉ देखो, लॉ का जो बैकड्रॉप होता है, लॉ का जो जिसको स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो कहीं ना कहीं एक सोशल होता है, कहीं ना कहीं हो सकता है रिलीजियस होता है. तो ये फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का एक्चुअल जो डेमोग्राफी है या पॉपुलेशन है, उसको देखते हुए आप लॉ बनाते हो. ठीक है, तो इसका मतलब सोशल फैब्रिक डिसाइड करेगा कि आपकी इकोनॉमी में लॉ कैसे होंगे. तो दे आर इंटर रिलेटेड. यदि सोशल फैब्रिक धीरे धीरे चेंज होने लगा, धीरे धीरे लोग जितना अंडरस्टैंडिंग होंगे, जितने अवेयर होंगे, जितने एजुकेटेड होंगे, जितने अर्बन होंगे, तो नेचुरली हमारा सोशल टेक्सचर धीरे धीरे बदलता जाता है. बदलता जाता है तो अकॉर्डिंगली आपके लॉज भी बदलते हैं. तो एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड. टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, ऑल फैक्टर्स आर इंटर रिलेटेड. और तभी चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स, अनसर्टेन है ही. हर डिसीजन वेरी वेरी, इतनी जल्दी बदल रहा है इंडिया में, तो इतना फास्ट कि आप पॉलिसी बना रहे हो और आपको एक साल के अंदर अंदर चेंज करना पड़ जाता. ठीक है, तो ये वेरी डिफिकल्ट. कितना कॉस्ट वाला अफेयर होता है, आप सोचो. आपके लॉ में ही आप पढ़ोगे सपोज साल भर, इसलिए जितना जल्दी हो जाए अच्छा है. यदि आपने एक डेढ़ साल एक्स्ट्रा लगा लिया, सिलेबस इतना जल्दी चेंज हो जाएगा, अमेंडमेंट इतने ज्यादा आ जाएंगे कि आपको वापस पता नहीं कितना पढ़ना पड़ जाएगा. इट इज सो फास्ट. और लॉ चेंज हो रहा है, होना पड़ेगा. इकोनॉमी इतनी चेंज हो रही है, लोग इतने चेंज हो रहे हैं. ठीक है, तो देखो ओटीटी के लिए, कल ही आपने न्यूज देखो, आज तो बहुत बड़ी हेडलाइन आई है. देखा है आज का, कल का, सुना है कुछ? क्या क्या आए हैं, किसके बारे में? प्रेस रिलीज देखी थी कल की, प्रकाश जावड़ेकर के? नहीं देख. अच्छा, किसी ने? आपके सोशल मीडिया से रिलेटेड बहुत न्यूज थी. चाह रहे नहीं, अब हो गया. सोर्स ऑफ र्यूमर आपको बताना पड़ेगा. कोई न्यूज आपको यदि आप रिपोर्ट कर देते हो कि दिस न्यूज इज रॉन्ग और एनीथिंग दैट काइंड ऑफ, विद इन 15 डेज उस कंपनी को, सपोज फेसबुक पे कुछ ऐसा लगा है, तो फेसबुक को विद इन 15 डेज उसकी रिपोर्टिंग करनी होगी, इसका न्यूज का एक्चुअल ओनर कौन है, कहां से ये सोर्स हुआ है, क्योंकि वही बता पाएगा. अभी तक तो कोई रेगुलेशन नहीं था, अब उसको बताना पड़ेगा. ठीक है, तो कुछ भी बोलें, कुछ भी लिखें, तो मुझे भी बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा, ट्वीट भी बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा. ठीक है, ओटीटी पे आया है तो वो सारे कंटेंट हम नहीं देख पाएंगे जो कि ऑब्जेक्शनेबल होंगे, और किसी ने ऑब्जेक्शन रेज किया है तो अदरवाइज देख पाएंगे. डायनामिक, तो बिजनेस एनवायरमेंट इज हाईली फ्लेक्सिबल, ऑलवेज कीप चेंजिंग, रिजिड नहीं है, स्टैटिक नहीं है, इसीलिए प्रेडिक्ट कर ही नहीं पाओगे. कॉम्प्लेक्स है, इन सारी चीजों के वजह से बिजनेस डिसीजंस बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं. रिलेटिविटी है, हर चीज आपस में रिलेटेड है, तो ये हर बिजनेस के लिए डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है कि वो
क्योंकि उसका उसका काउंटर इफेक्ट क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंटरी इफेक्ट क्या होगा, ये एनालाइज करने में ही महीने लग जाते हैं कि ये जो मैं रेज करने वाला हूँ या प्राइस कोई पर्टिकुलर से वैरायटी यदि हमें लॉन्च करनी है इंडिया में, सपोज कोक ने ही एक वैरायटी सोच ली या पेप्सी ने एक वैरायटी सोच ली या लेज ने एक वैरायटी सोच ली, खाने पीने की चीजें ही लेख लेते हैं, तो यदि हम एक नई वैरायटी और हमें पता नहीं इंडियन का टेस्ट कैसा है तो उसका रिपोकेशन बहुत हद तक चला जा सकता है। तो इंडिया में वेज एंड नॉन वेज एंड वेगन एंड नॉन वेगन एंड पता नहीं क्या क्या केटो एंड, तो जब मर्जी जैसे मर्जी बैन हो जाता है। तो एक सेकंड में बिजनेस मेरा इतना अच्छा चल रहा था, दूसरे सेकंड में खत्म। क्यों? क्योंकि हो सकता है मैंने गलत एड दे दिया हो, ठीक है। तो एक ट्वीट, एक एड आपके बिजनेस डिसीजन को इधर से उधर कर सकता है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी इंडियन टू डू बिजनेस इन इंडिया या एनी फॉरेनर टू डू बिजनेस इन इंडिया ऑन अ हाई लेवल। अब मीडियोकर लेवल पे करो कोई नहीं हो रहा, लेकिन जब आप थोड़ा बेटर लेवल पे करना चाहते हो तो ऑफकोर्स आपके एडवर्टाइजमेंट, आपकी बातें, आपके लोग उस लेवल के हो जाते हैं, लेकिन आप फिर गवर्नमेंट की नजर आ जाती है। और गवर्नमेंट की नजर आते ही गवर्नमेंट के साथ साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट जुड़े हुए होते हैं, वो आते हैं तो वो ऑब्जेक्शन करने लगेंगे। ऑब्जेक्शन करने की तो आदत है, ऑब्जेक्शन माई लॉर्ड। सो टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड दिस। तो ये आपके एग्जाम्पल, देखो इसमें जितने जहां जहां एग्जाम्पल गिवन है वो वाले सेक्शन आपको देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पे बोला, ये एग्जाम्पल, ये केस आपको दे देंगे, केस स्टडी काइंड ऑफ दे देंगे और फिर बोलेंगे ये कौन सा एनवायरमेंट है। दिखने में बड़ा आसान क्वेश्चन दिखता है लेकिन सारे एनवायरमेंट एक जैसे लगते हैं, मैंने क्योंकि मैंने बोला इंटर रिलेटेड है, हर एनवायरमेंट दूसरे से इंटर रिलेटेड है। और ज्यादातर के आंसर मैंने जो भी, वो मेरे को वापस बोलते हैं मैम ये क्वेश्चन आया था, मैंने ये टिक किया, भाई गलत ही टिक किया। सोशल फैक्टर को पॉलिटिकल बोल देते हो, पॉलिटिकल फैक्टर को सोशल बोल देते हो, क्योंकि उस टाइम पे सच में हमें लगता है टाइम कम होता है, इतना बड़ा बड़ा केस स्टडी देते हैं उसके बाद पूछते हैं ये कौन सा एनवायरमेंट है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से करना जब आप इसको कर रहे हैं। क्या है देखो, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, लेजिस्लेशन, लीगल जो डिपार्टमेंट होता है, लेजिस्लेशन है, ये तो जानते हो ना। इकोनॉमी में हमारे एक तो है एग्जीक्यूटिव, एक है लेजिस्लेटिव और एक है जुडिशियरी, तीन डिपार्टमेंट है। पार्लियामेंट हमारा क्या है? पार्लियामेंट हमारा लेजिस्लेटिव नहीं है। हाँ, कोर्ट्स। जुडिशियरी फिर क्या है? ऑफ कोर्स पार्लियामेंट हमारा एग्जीक्यूटिव भी है, लेजिस्लेटिव भी है, लॉ भी तो वही बनाता है, एग्जीक्यूट भी उन्हीं को ही करना होता है, लेकिन उसका इफेक्टिवनेस, रॉन्ग, करेक्ट, एथिकली, ये सब डिसीशन जुडिशियरी का है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव गो, तो पॉलिटिकल बहुत डिफिकल्ट पॉइंट है, इजिली मत लेना इस सेक्शन को। पॉलिटिकल एनवायरमेंट एक इकोनॉमी का बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है उसके ग्रोथ के लिए। हर डिसीशन पॉलिटिकल है, चाहे हम कितना ही कोशिश कर लें, पॉलिटिकल व्यू पॉइंट को हम अलग नहीं कर पाते हैं व्हेन वी कम टू गवर्नमेंट। देखोगे जब ये गवर्नमेंट है, सपोज एनडीए है, बीजेपी अलग है, एनडीए अलग है, बीजेपी पार्टी है, गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट एनडीए है। क्यों? क्योंकि बीजेपी के साथ अलाइड पार्टीज हैं, वो एनडीए है। तो गवर्नमेंट जब बनती है तब कोई भी गवर्नमेंट, नॉट ओनली ये बीजेपी एंड एनडीए, कोई भी गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजों की तरफ से सोचना पड़ता है, उसको मल्टी डिसीशन मेकिंग होना पड़ता है, मल्टी डायमेंशन सोचना पड़ता है, दूसरे पार्टी को साथ में लेके चलना पड़ता है, बहुत डिसीशंस होते हैं। लेकिन तब भी क्या वो अपनी आइडियोलॉजी छोड़ पाएंगे? मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, क्या वो अपनी आइडियोलॉजी छोड़ पाएंगे? उनको छोड़ना पड़ता है बहुत बार, लेकिन वो ज्यादातर नहीं छोड़ पाएंगे, ठीक है। तो चाहे मैं कुछ भी बन जाऊं, मेरा पर्सनल जो बिहेवियर है वो मेरे से कितना अलग, मेरा बोलने के लिए हम बोलते हैं वी आर प्रोफेशनल अलग, पर्सनल अलग, क्या ऐसा होता है? क्या इजी है? इट्स नॉट दैट। तो पॉलिटिक्स में आने के बाद आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आपको इफेक्ट करेगी।
इफेक्ट यदि कर गई तो आपके डिसीजन मेकिंग को भी वही इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो इन्होंने एग्जाम्पल क्या दे रखा है, देखो, इफ अ पॉलिटिकल बॉडी स्टेट्स दैट अ कंपनी मस्ट इंक्लूड अ सर्टेन केमिकल इन इट्स प्रोडक्ट, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट डिफर। पॉलिटिकल पार्टी है सेंटर पे आ गई या स्टेट लेवल पे आ गई, उसका कोई भाई भतीजा कजिन कोई केमिकल कंपनी चलाता है, वो रिसेशन में है, प्रॉब्लम में है, उसका प्रोडक्ट मुझे बिकवाना है, तो मैं क्या करूंगी, रूल लाने की कोशिश करूंगी कि ये केमिकल हर प्रोडक्ट में डलना चाहिए। यदि डलेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सब उसी कंपनी से खरीदेंगे तो उसका प्रॉफिट होगा। तो मेरी पर्सनल एक आइडियोलॉजी, पर्सनल थिंकिंग को मैंने कैसे इकोनॉमी में मैं ले आई और उसके डिसीजन से पूरा कॉस्ट चेंज हो गया, कॉस्ट चेंज हो गया। अब क्या है, कंपनी पासेस दोस कॉस्ट ऑन टू कस्टमर, किसको देगी, किससे लेगी, पैसा तो हम कस्टमर से लेंगे, तो कस्टमर के लिए पैसे बढ़ गए, हायर प्राइस पे उसको लेना पड़ेगा। सो इफ ही डज नॉट परचेज देन द कंपनी डज नॉट रिसीव द रेवेन्यू, इफ ए लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स डिसाइड नॉट टू परचेज तो कंपनी क्या होगा, धीरे धीरे एम्प्लॉयज को निकाल देगी। कितना इफेक्ट हो रहा, एक डिसीजन से आपने प्राइस को राइज कर दिया, लेकिन कस्टमर पे किसी का बस नहीं है, आपने कंपनी पे तो बस चला लिया क्योंकि वो लॉ से चलती है, कंपनी एक्ट, तो वो तो लॉ से चलेगी, लेकिन हम लोग लॉ से थोड़ी चलते हैं कि आपको खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है, इवन मोनोपोली कैन नॉट फोर्स मी, है ना, ये भी हमने देखा है कि मोनोपोली भी मेरे को फोर्स नहीं कर सकता, तो आप मेरे को फोर्स नहीं कर सकते, मैंने प्रोडक्ट बाई नहीं किया, बाई नहीं किया तो रेवेन्यू आपका लॉस हो गया, और जब कंपनी लॉस में जाएगी तो सबसे पहले क्या करती है, एम्प्लॉयज को ही निकालती है। तो एक डिसीजन आपके बिजनेस डिसीजन को इफेक्ट किया, पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट किया, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट को इफेक्ट किया। ठीक है, तो इकोनॉमी में बिजनेस एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, और ये आप बहुत, कोई है एग्जांपल आपके सामने कुछ और ऐसा जिसमें आप ये बता सको कि पॉलिटिकल एनवायरमेंट अफेक्ट्स बिजनेस डिसीजन एज अ कोई एग्जांपल? ये तो बुक वाला हुआ, कुछ भी ये गवर्नमेंट लास्ट 2 साल 5 साल 10 साल में कुछ ऐसा बोला हो करा हो जिसके वजह से कंपनी ने अपना डिसीजन बदला हो, या आपके आसपास के दुकानों में कुछ चेंजेस हुए हों, पॉलिसी, अच्छा हाँ, ये जो पॉलिथिन बैन, प्लास्टिक बैग्स जो बैन हुए थे जिसके वजह से उनके डिसीजन मेकिंग चेंज हो गए, कॉस्ट चेंज हो गए, तो उसको कॉस्ट ज्यादा पे करना पड़ा या कम पे करना पड़ा, वट एवर, ये भी आपके बिजनेस डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। जीएसटी, ये गवर्नमेंट का डिसीजन था, कब हुआ था जीएसटी, 2000 जुलाई 16, तो जुलाई 2016 में अब आपको जीएसटी फाइल के करना पड़ेगा। ये जो डिसीजन है, जिस रेवोल्यूशनरी डिसीजन बोलते हैं, इससे हर बिजनेस अब उसको प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, एक कंप्यूटर मेंटेन करना पड़ेगा, एंड डिजिटली रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, सीए या सीएस करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। तो ये उसके लिए कॉस्ट वाला फेयर हो गया, यदि कॉस्ट है और यदि वो बेयर कर सकता तब तो ठीक है, नहीं बेयर करा एसएसआई, जो स्मॉल सेक्टर यूनिट है, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, ये बेयर नहीं कर पाएंगी, तो बहुत छोटी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, एक दो साल चली उसके बाद 2019 एंड 2020 तो लास्ट हैमर ऑन द कॉफिन। ठीक है, वैसे ही बंद हो रही थी, लॉकडाउन तो चलो एक बहाना था, तो खत्म हो गई कहानी, खत्म। तो गवर्नमेंट का एक डिसीजन कितने ज्यादा इंडस्ट्रीज को इफेक्ट कर गया। ठीक है, तो ये एक पॉलिटिकल डिसीजन, लेजिस्लेटिव बना, एग्जीक्यूट कर दिया, बिजनेसेशन इफेक्ट हो गए बहुत। तो ये पॉलिटिकल बातें हैं, पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, पॉलिटिकल डिसीजंस को आप गवर्नमेंट के डिसीजंस में कन्वर्ट कर देते हो, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे अयोध्या मुद्दा हो। ठीक है, आप अपनी पॉलिटिकल आइडियल, ये हर गवर्नमेंट, मैं ये नहीं बोल रही कि एनडीए कर रहा है, जब यूपीए था तब भी उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को हम पे फोर्स किया, और आज यदि एनडीए है तब भी वो अपनी आइडियोलॉजी को हम पे फोर्स कर रही है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप ये क्यों कर रहे हो। ठीक है, जो चीजें नेचुरल हैं वो नेचुरल रहे तो बेटर है,
लेकिन हमने उस नेचर नेचुरल चीजों को पॉलिटिकली जल्दी करने की कोशिश की, आज नहीं तो कल होता। कश्मीर कभी ना कभी स्टेट बनता ही बनता, ठीक है, कभी ना कभी वो ऐसा उसमें होता ही होता। पंजाब का यदि प्रॉब्लम, वो आज का नहीं है, वो बहुत दिनों का है, वो भी खत्म हो गया, वो सही से चल रहा है। क्या वहां टेररिज्म नहीं था? था, तो वो उस एंड से। लेकिन जब आपने बाई फोर्स, यहां एक दिन इंटरनेट बंद हो जाए आप जानते हो क्या हालत होती है। तो जस्ट इमेजिन, आता है ना, पॉलिटिक्स में नहीं आ रहा, वो रिलीजियस एक्सेंट उसका भी होता है। तो वही मैं बोल रही हूं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आपके इकोनॉमिक डिसीजंस को इफेक्ट कर सकता। सही गलत की बात नहीं है, लेकिन हर चीज का एक तरीका हो सकता है। गवर्नमेंट को मैं सोच नहीं पा रही, शायद गवर्नमेंट कुछ और सोच रहा हो, लेकिन जब कम को फायदा हो ज्यादा का नुकसान हो तो वो पॉलिसी गलत ही मान ली जाएगी। इकोनॉमिक एनवायरमेंट का मतलब होता है रिसेशन, इन्फ्लेशन, ये आपके डिसीजन को कैसे वेट करते हैं, ठीक है। यदि आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाए हो, आपने प्रोडक्ट बना लिया एक्स वाई जेड और आप मार्केट में तैयार हो अब आने के लिए, और उसी टाइम पे मार्केट में रिसेशन आ गया, अब भुगतो, प्रोडक्ट पड़ा रहेगा, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, डिमांड कम, प्राइस डाउन जाएगी, और इतनी डाउन कि शायद आपके कॉस्ट भी कवर ना हो पाए, प्रॉफिट तो दूर, ठीक है। तो ये रिसेशन भाई कैसे प्रेडिक्ट नहीं कर पाए आप, ठीक है, क्या आपको पता नहीं था रिसेशन आने वाला है, ठीक है। तो लॉकडाउन वाला सिचुएशन अनप्रेडिक्टेबल था, इसको किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया होगा, लेकिन अदर देन दैट यदि नॉर्मल रिसेशन, हम इकोनॉमिक रिसेशन की बात यदि करें, वो कुछ हद तक यदि प्रेडिक्टेड होती है तो हर फर्म को तैयार रह जाना चाहिए ऐसे रिसेशन के लिए, लेकिन नहीं है तो उसका डिसीजन कुछ और ही होगा। फिर आता है सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स का मतलब पॉपुलेशन कैसा है, उसका रिलीजन, उसका हर चीज जो सोसाइटी से जुड़ी हुई, वहां कैसे लोग हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने एल्डरली हैं, कितने यंग हैं, कितने अर्बन हैं, कितने रूरल हैं, ये सारे फैक्टर्स सोशल फैक्टर्स होते हैं। वो आपके डिसीजन, क्योंकि आप बिजनेसमैन हो, यदि आप बिजनेस करना चाहते हो, जहां करना चाहते हो, जहां आपका टारगेटेड ऑडियंस है, उस ऑडियंस को पहले आप समझो, फिर उस प्रोडक्ट को लॉन्च करो तो प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा। आप बिना सोचे समझे आप यदि प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हो तो चीज सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, ठीक है, चाहे कुछ भी हो। जैसे इन्होंने जो एग्जांपल लिया है, बहुत आउटडेटेड एग्जांपल है, लेकिन आप लोग नया कुछ सोच सकते हो। इफ फैशन डिजाइनर दैट क्रिएट्स बेल बॉटम स्ट्रिप्ड पैंट्स विल नॉट सक्सीड इन एनवायरमेंट वेयर स्ट्रेट लेग सॉलिड कलर्ड पैंट्स आर डिजायर्ड, ठीक है, इन्होंने ट्राउजर्स या पैंट का लिया, यदि स्ट्रेट पैंट ज्यादा चलते हैं और वहां आपने बेल बॉटम काइंड ऑफ पैंट्स ले लिए तो शायद वो नहीं चलेगा, बिजनेस आपका रन नहीं करेगा। तो आपको बिजनेस को समझना होगा, ट्रेंड समझना होगा। यदि सोसाइटी ज्यादा कंजर्वेटिव है, ठीक है, ओल्ड फैशन एंड कंजर्वेटिव, पुरानी सोच, पुरानी आइडियोलॉजी वाले हैं, तो वहां आपको नई चीज को सपोर्ट करने का जल्दी से आपको नहीं मिलेगा, ट्रेंड नहीं होगा, ठीक है। तो वहां आपको बिजनेस अकॉर्डिंग टू द करना पड़ेगा। तो आप यदि कोई भी बिजनेस, शूज का, टी शर्ट का, बैग का, वॉच का, कुछ भी करते हो, तो आपको अकॉर्डिंग टू सोशल कल्चर्स एंड नॉर्म के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। यदि आप नहीं करते हो तो नहीं चलेगा। जब भी नए शहर में जाते हो, मेरे हिसाब से आप ये बात समझ जाते हो कि वहां का सोसाइटी कैसा है। नहीं समझते ये, वहां के शॉप्स को देख के, वहां के लोगों को देख के, वहां के लोगों का पहनावा देख के, आपको वहां का जो कल्चर होता है, सोसाइटी है या उनकी मेंटालिटी है, ये आपको अच्छे से समझ आ जाती होगी। तो सेम हैपन्स विथ फॉरेनर्स जब इंडिया में वो घुसते हैं, ठीक है, आप उनको जबरदस्ती, भाई चलो आपको रैपर ऑन पहनना पड़ेगा, मंदिर जा रहे हो, गुरुद्वारे जा रहे हो, यू हैव टू कवर योर लेग्स, यू हैव टू कवर योर हेड, यू हैव टू कवर योर सेल्फ एंड देन यू एंटर, तो उनको समझ में आ जाता है कि कैसा यहाँ पे सोशल चीजें चल रही है। भाई इंडिया जा रहे हो तो ये करना है, डूज एंड डोंट्स है, ठीक है, एक एक ट्रेनिंग होती है, यहां भी होती है, ये हर जगह होती है। जब आप बाहर जाते हो तो ये हम डूज एंड डोंट्स देख लेते हैं, आप दुबई जा रहे हो तो डूज एंड डोंट्स देख लोगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, मालदीव जाते हो तो आपको ये देखना पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं करना। तो इंडिया में भी क्या करना है क्या नहीं करना है
इसकी लिस्ट बड़ी लंबी है, डूज छोटी है, डोंट्स वाली काफी लंबी है कि ये नहीं करना है आपको। अच्छा नहीं लगता है ना ये सब बोलती हूं तो, अच्छा नहीं लग रहा ना अनमोल? ये जो डूज एंड डोंट्स होते हैं सोशल फैक्टर्स हैं, क्या लगता है एग्जांपल कुछ बता सकते हो जो बिजनेस डिसीजन को अफेक्ट करते हो? फैजल हम बता नहीं सकते हो, दो हजार का चालान लगा दूंगी अभी, मास्क पहन। अरे कुछ तो बोलो, सोशल फैक्टर्स तो इतने सारे हैं। बताओ, सोच भी नहीं पाते हो, डिसीजन मेकिंग तो बहुत दूर है। पर तो वो मार्केट ग्रो कर गया, इसका मतलब उसको पता है कोई तो होगा भुलक्कड़ जिसके पास ये नहीं होगा, तो वो उसका बिजनेस तो ग्रोइंग है। जो अभी ये हुआ ये फार्मर का जो आंदोलन चल रहा है, आप यदि कोई यदि विजिट करे हो वहां पे, मतलब आई एम वेरी हैप्पी। हैप्पी वाई? क्योंकि वहां बहुत बिजनेस ग्रो कर रहा है, सरप्राइजिंगली इतना अच्छा चल रहा है बिजनेस, हद नहीं है। शूज का, फिर मसाज पार्लर एंड फूड, ड्राई फ्रूट्स, ऐसे बहुत सारे बिजनेस जो वहां लोकल बिजनेस है, लोकल जो जो ये टेलर एंड ऐसे छोटे मोटे मास्क वाले छोटे मोटे बिजनेस जो शायद पूरे साल भर नहीं कमाते हों, वो हफ्ते हफ्ते दस दस दिन में उतना कमा रहे हैं। ठीक है, फ्लैग वाले बहुत, कभी जाओ विजिट करो तो आपको पता चलेगा। मैं तो सोच रही एक आध दिन यहां ऑफ होता तो चली जाऊं कुछ लेके, बेशम बहुत प्रॉफिट। ट्यूशन व्यूशन ले सकते हो, वहां के बच्चों को पढ़ा लो, हफ्ते में तीन दिन चले जाओ, आपके यहां की फीस निकल जाएगी। थिंक अबाउट इट। तो एक चीज को कि कैसे आपके इकोनॉमिक डिसीजन, तो आप देखो आपने थ्रेट को अपॉर्चुनिटी बना लिया। ठीक है, तो थ्रेट को अपॉर्चुनिटी बना लो। ऑनलाइन लॉकडाउन में, लॉकडाउन वॉज थ्रेट, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस के लिए, ऑनलाइन हर चीज के लिए, चाहे ऑनलाइन क्लासेस हो, चाहे ऑनलाइन पेमेंट हो, चाहे ऑनलाइन कुछ भी हो, कितना अच्छा चला। तो उसको उसने इतना बिजनेस किया जितना वो दिवाली पे नहीं करता, दो दिन के दिवाली में या तीन दिन के दिवाली में जितना नहीं करता है वो दिवाली से पहले ही बहुत लोगों का दिवाला निकाल के कर चुका होता। ठीक है, सो दैट इज सोशल फैक्टर्स। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल, तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स तो डेफिनेटली आपके बिजनेस एनवायरमेंट को इफेक्ट करेंगे। कितना टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, उसका रिसर्च कितना मिल रहा है, गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट कर रहा है टेक्नोलॉजी में, उसका फ्रूट आपको कितना मिल रहा है, डिजिटली आप कितने अपडेटेड हो रहे हो, सॉफ्टवेयर कितना अच्छा हो रहा है, सिक्योरिटी कितनी अच्छी हो रही है, उसके हिसाब से आपको बेटर 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 चीजें मिलती हुई जा रही है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकली आपको रिस्क आपका जो है वो मिनिमाइज कर देती है। टेक्नोलॉजी जितनी बेटर होगी, रिस्क उतना मिनिमम, आपका डिसीजन उतना अच्छा। लीगल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स में क्या है कि लीगल जो फैक्टर्स लाइक कंपनी लॉयर्स, आप लोग कंपनी लॉयर्स होते हो, तो कंपनी लॉयर यदि चेंज इन लेजिस्लेशन को, जी अच्छा बताओ, बिल्कुल है, बिल्कुल कर सकता, बिल्कुल कर सकता। रिस्क ऑफ कोर्स है, लेकिन यदि हैकर हैक कर सकता है तो हैकर से प्रोटेक्ट करने के लिए भी टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, तो आप देखो, आप यदि सिस्टम नहीं बनाओगे डिजिटली तो इसे आपके एक करोड़ लग जाएंगे, लेकिन आपने सिस्टम बनाया तो इससे आपके कॉस्ट मिनिमम हो गए, इसे 10 लाख का ही कॉस्ट पड़ा। हैक करके क्या होगा, आपके 10 लाख के चीजों को ही तो खत्म करेगा, आपका एक करोड़ का तो नुकसान नहीं हुआ।
ठीक है, तो हैकिंग तो हर जगह, हम क्या है, यूएनडीपी, यूएनओ, डब्ल्यूटीओ पे हैकिंग हो रही है, तो हैकिंग होती है हर जगह चांसेस है, लेकिन हैकिंग से वापस डेटा प्रोटेक्टेड होता है, इतना भी कुछ नहीं है, ठीक है, सब चीजों का बैकअप है। तो ये सब जानते हैं, गवर्नमेंट के साइट्स भी हैक्ड होते हैं, तो होते तो हैं, लेकिन हम हर चीज का रिस्क का एक बैकअप तो रखना ही पड़ता है, चाहे कैसे भी फॉर्मेट में रखें, रखना तो पड़ता ही पड़ता है। तो ये अपना, ये आपके इंटरनल मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि ये कैसे आप कर रहे हो। इसी हैकिंग से रिसेंट एनडीटीवी वाला तो सुना होगा आपने, हैकिंग से रिलेटेड, निधि राजदान का, ऐसे सबके साथ होता है हैकिंग। लीगल फैक्टर्स, तो आप यदि कोई चेंज करते हो लॉ लीगली, कंपनी का कुछ डिसीजन चेंज करते हो, तो वो उसके शेयर होल्डर को इफेक्ट करेगा, और कंपनी का डिसीजन कंपनी लॉयर यदि चेंज कर रहा है, वो इसलिए चेंज कर रहा है क्योंकि वो आने वाले गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन को पहले से प्रेडिक्ट कर रहा होता है, उसको पता है कि सो एंड सो गवर्नमेंट में आने वाले हैं, आएंगे तो शायद ये डिसीजन लेंगे, इसीलिए हम कंपनी का रूल पहले ही चेंज कर लेते हैं, क्योंकि वो आए उसके बाद हम चेंज करें, उसके बाद एग्जीक्यूट करें, तो टाइम हाथ से निकल जाएगा। प्रेडिक्शन यदि करेक्ट हुआ तो आपको फ्रूट इंस्टेंट मिल जाएगी, लेकिन प्रेडिक्शन गलत हुआ तो नुकसान भी हो सकता है, तो ये तो रिस्क है। तो हर फैक्टर अपने जगह रिस्क ही लेके आता है, लेकिन आपने यदि सही ढंग से इसका प्रेडिक्शन किया है तो आप लीगल फैक्टर्स को भी पॉजिटिव बना सकते हो, ठीक है। तो यहीं से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आता है कि वर्ल्ड बैंक कैसे इंडिया से रिलेटेड, सारे वैसे तो हर कंट्री का एक रिपोर्ट तैयार करता है, इन डीबीआर रिपोर्ट 2019 इंडिया हैज रिकॉर्डेड अ जंप ऑफ 23 पोजीशन फ्रॉम 100 टू 77, 23 पोजीशन जंप करा, तो कुछ तो चेंज हुआ होगा, कुछ तो अच्छा हुआ होगा, जिसके वजह से 100 से 77 रैंक पर हम आ गए, बेटर हो गए, 23 पोजीशंस अप हो गए। तो उन्हीं में ही आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट एंड सो ऑन सो फोर्थ, जिसके वजह से ये चीजें अच्छी होती है। तो आपसे ये पूछेंगे कितना प्लेस जंप किया और अब कितना है, तो 77 रैंक है 2019, 2020 ईयर को हम हटा रहे हैं, हटा इसलिए रहे हैं क्योंकि डीबीआर ने पहले दिया था 2020 में रिपोर्ट, लेकिन फिर उसने खुद ही उसको हटा दिया था कि 2020 एक अलग डिफिकल्ट, एक अलग ईयर है, उसका कुछ भी हम आगे भी फ्यूचर में कभी भी आप रेफरेंस लोगे, कभी भी 2020 का नाम तक नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इस साल सब कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू से करा गया है। तो आप रिपोर्ट आपको 2019 का ही पूछेंगे, 20 का नहीं पूछेंगे, क्योंकि आया जब था उसके बाद उन्होंने खुद ही हटा दिया था। तो गवर्नमेंट के एफर्ट के वजह से, इकोनॉमिक फैक्टर्स के वजह से वी वर एबल टू जंप दैट मेनी ईयर्स। यहां एक वर्ड है डिस्टेंस टू फ्रंटियर, डीटीएफ, ठीक है, ये डीबीआर रिपोर्ट 190 इकोनॉमिक्स का था, उसमें से इंडिया की रैंकिंग 77 है। डिस्टेंस टू फ्रंटियर का रिपोर्ट का मतलब होता है जो बेस्ट कोई चीज में है, जैसे यदि डेनमार्क कंस्ट्रक्शन परमिट में से सबसे अच्छा है, आपको बिजनेस करना है तो आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन परमिशन के लिए अप्रूवल चाहिए होता है, वो अप्रूवल अभी दिया और अभी आ गया, या एक घंटे में आ गया, दो घंटे में आ गया, पांच, तो जो बेस्ट रिजल्ट है, सपोज 5 घंटा बेस्ट रिजल्ट है, उस बेस्ट रिजल्ट के करीब यदि हो और आपकी इकोनॉमी में 7 घंटे में होता है, किसी की इकोनॉमी में 24 घंटे में होता है, किसी की इकोनॉमी में 48 आवर्स होता है, तो जितना ज्यादा टाइम लग रहा है तो उतना डिस्टेंस ज्यादा है, जितना 5 आवर्स के पास हो रहा है उतना उसका डिस्टेंस टू फ्रंटियर कम है, ठीक है। तो डिस्टेंस टू फ्रंटियर भी एक क्राइटेरिया है, एक मेजरमेंट है, जिसके थ्रू आप इकोनॉमी का बिजनेस एनवायरमेंट कितना इजी है, कितना अच्छा है, ये आप मेजर कर सकते हो। तो उसमें ये देखा गया है कि डिस्टेंस टू फ्रंटियर्स इंडिया इम्प्रूव्ड फ्रॉम 67.23, फ्रॉम 60.76 टू 67.23, ठीक है, उसकी जो वैल्यू थी पहले 60 थी, अभी 67, ठीक है। तो आप यदि निष्ठा वापस में, मैम ये सब याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, अभी तक मैंने क्या बोला, 100 रैंक था, फिर 77 हुआ, 23 प्लेस, ये याद रखना पड़ेगा। डीटीएफ स्कोर पहले 60 था, अब 67 है, ये याद रखना पड़ेगा। यहां आगे भी है, ये यहां टोटल 6 क्राइटेरिया दिए गए हैं, ठीक है, 6 क्राइटेरिया में इंप्रूवमेंट दिखाया गया है, कौन से बेसिस पे आप इंडिया की रैंकिंग कर रहे हो,
या तो कोई भी इकोनॉमी की आप रैंकिंग करते हो, कंस्ट्रक्शन परमिट, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, स्टार्टिंग अ बिजनेस, ठीक है, ये मेन है, इसको आपको मेजर करना है, इसको आपको याद रखना है, ये तीन वेल। बाकी आप नहीं याद रख रहे हो कोई बात नहीं है, ओवरऑल रैंक 77 याद है आपको, लेकिन ये तीन रैंकिंग आपको याद रखनी है, 52, 80, 137 कंस्ट्रक्शन परमिट, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, स्टार्टिंग अ बिजनेस। ठीक है, कंस्ट्रक्शन परमिट कितने आसानी से मिलता है, यदि आप में से कोई भी कंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, आपका घर बना था या आपके आसपास जब घर बना था, यदि आपने देखा हो, ऑब्जर्व करा हो, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली इन अर्बन एरिया इट इज वेरी डिफिकल्ट। आपको मल्टी डिपार्टमेंट का परमिशन चाहिए होता, अब वो यदि सिंगल विंडो क्लियरेंस हो जाता, आप एक ही जगह अप्लाई करो, एक ही जगह पे सारे डिपार्टमेंट के क्लियरेंस होके आ जाएंगे, या एक ही बार में मीटिंग में सारा काम हो जाएगा, तो ये आपके लिए इजी होगा। हाउस होल्ड के लिए कोई बात नहीं, उसका कुछ खास लॉस नहीं है, लेकिन एक बिजनेसमैन के लिए बड़ा लॉस हो जाएगा यदि उसका प्रोजेक्ट 8-8, 10-10 महीने डिले हो जाता तो। ठीक है, तो वो बेटर हुआ, देखो कितना स्ट्रांगली चेंज हुआ है, 181 ऑलमोस्ट 200 से सीधा 52, तो रैंकिंग देखो कितनी अच्छी हुई है। पहले कंस्ट्रक्शन परमिट में इंडिया की रैंकिंग थी 181, ऑलमोस्ट 190 तो टोटल ही है, उसमें से नीचे ही थे हम, अब देखो 52 रैंक हो गया, बहुत इंप्रूवमेंट है। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, चाहे एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाहे इम्पोर्ट कर रहे हैं, जो भी उसके फॉर्मेलिटीज होते हैं, वो सारे क्लियरेंस करने में जो करते थे और जो प्रोसेस लगता था, जो टाइम लगता था, उसके वजह से इंडिया की रैंकिंग 146, अब इंडिया की रैंकिंग 80, टॉप 100 नेशंस में। स्टार्टिंग अ बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट करने में इंडिया की रैंकिंग 156, अब 137। तो ऐसे ही बाकी में कुछ खास चेंजेस नहीं है, इसीलिए मुझे नहीं लगता उससे कुछ खास क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन फिर भी जितना याद रहे। तो इंडिया को एक टॉप इम्प्रूवर के रूप में देखा गया है इन सारी चीजों की वजह से, टॉप इम्प्रूवर। इट इज सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर कि इंडिया को वन ऑफ द टॉप इम्प्रूवर देखा गया है। ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, BRICS, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनमें से इंडिया टॉप इम्प्रूवर है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। चाइना से भी इम्प्रूवमेंट में यदि हम देखें, चाहे वो ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर हो चाहे कंस्ट्रक्शन परमिट हो, इंडिया की रैंकिंग सबसे ज्यादा एशिया में भी, नॉट ओनली चाइना, वियतनाम, जापान, सबसे साउथ एशियन नेशन में सबसे ऊपर है इम्प्रूवमेंट के परसेंटेज के हिसाब से, कि इंडिया ने कितना जल्दी कितना फास्ट इम्प्रूव किया है इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इंडिया में बिजनेस करना पहले बहुत डिफिकल्ट था, उसके मुकाबले अब थोड़े से कम डिफिकल्टी है। ठीक है, हाईएस्ट इंप्रूवमेंट इन कंसेक्यूटिव 2 ईयर्स। कंस्ट्रक्शन परमिट देखो, प्रोसीजर्स रिड्यूस्ड फ्रॉम 37 to 20 इन मुंबई, फ्रॉम 24 to 16 इन दिल्ली। जो प्रोसीजर रिक्वायर्ड होते हैं, जो जिनको हम बोलते हैं टिक 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 टिक, ये चीजें चाहिए, ये फाइल चाहिए, ये क्लियरेंस चाहिए, तो ऐसे आपको से 37 क्लियरेंसेस चाहिए होते थे, अब उसके जगह सिर्फ 20। इसीलिए इतनी इंडस्ट्री जितनी, देखो यमुना के ये जो यमुना का जो बैंक है, यमुना बैंक के दोनों साइड आप पहले कंस्ट्रक्शन बहुत डिफिकल्ट था, हालांकि अब भी डिफिकल्ट है, होना भी चाहिए, लेकिन पहले NGT की परमिशन जल्दी से नहीं मिलती थी, लेकिन NGT ने अब जल्दी जल्दी परमिशन देना शुरू करा, वो एनवायरमेंट के अगेंस्ट जा रहा है, नेचर के अगेंस्ट जा रहा है, लेकिन जब आप क्लियरेंस इतनी अच्छी जल्दी दे, NGT का मतलब होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नेचर का पॉइंट ऑफ व्यू देखेगी कि आप नेचर को कितना डिग्रेड या अपग्रेड कर रहे हो, अकॉर्डिंगली आपको परमिशन देगी, कोई भी इंडस्ट्री के लिए, कोई भी रेसिडेंशियल प्लॉट के लिए। तो वो यदि जल्दी से परमिशन मिलने लगी है मुझे, तो कहीं तो शायद कॉम्प्रोमाइज कर लिया होगा, कुछ तो करा होगा, लेकिन चलो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेटर है। तो पहले 37 था, अब 20 है, पहले 24 था, अब 16 है। टाइम रिड्यूस फ्रॉम 128.5 डेज टू 99 डेज इन मुंबई। 100 दिनों के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन का परमिट मिल गया, अभी भी 100 दिन लगते हैं, 100 दिन मतलब समझते हो, 3 महीने,
3 महीने आपको कंस्ट्रक्शन परमिशन मिलने में, दिल्ली में भी ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल इंडेक्स 12 to 14, 11 to 14 इन दिल्ली। क्वालिटी कंट्रोल इंडेक्स का मतलब होता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं बिल्डिंग की क्वालिटी को डिटरमिन करने में, कि उसके पिलर्स कितने साइज के हैं, कितने चौड़े हैं, इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे हुई है, इन्होंने जिसको टेक्टोनिक प्लेट्स, अर्थक्वेक प्रोन एरिया होता है तो उससे आपको कितना परमिशन मिला है, क्या आपने उसका वेरिफिकेशन करा है कि नहीं करा है, आपने वाटर प्रूफिंग कैसे की है, आपने फायर प्रूफिंग कैसे की है, ये कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। उसके हिसाब से पहले इतने 12 थे, अब 14 बढ़ाए हैं, रूल्स थोड़े से बढ़ाए हैं उसमें। कॉस्ट में चेंज आया है, पहले 23.2% ऑफ द कॉस्ट खाली परमिशन लेने में लग जाता था, अब 5.4% लगता है। डीटीएफ स्कोर इम्प्रूव करा। ठीक है मैम, इसमें पढ़ना क्या है वो बता दो। ठीक है, पढ़ना आपको है 37 से 20, 24 से 16, 129 से 99, 150 से, तो ये 2 पॉइंट पढ़ लेना, याद रख लेना, पढ़ लेना, इन द सेंस पढ़ना तो सब है, याद रख लेना। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, तीन में मुझे लगता है तीन ज्यादा पढ़ने हैं आपको, कंस्ट्रक्शन परमिट, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर एंड एक और कौन सा बोला था, स्टार्टिंग अ बिजनेस, ये तीन आपको ज्यादा पढ़ने हैं। डॉक्यूमेंट्री कंप्लायंस, इम्पोर्ट जब आप कर रहे हो दिल्ली में, यदि हो दिल्ली में, यदि हो और आप इम्पोर्ट कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट्री कंप्लायंस करने में पहले 58 आवर्स लगते थे, अब सिर्फ 25 आवर्स, मतलब एक दिन लगता है। ठीक है, और एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कॉस्ट टाइम पहले 21 आवर्स लगता था, अब सिर्फ 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, कॉस्ट भी देखो बहुत कम है। बॉर्डर कंप्लायंस कर रहे हो, बॉर्डर के भी कुछ चेंजेस होते हैं, कस्टम्स होती हैं, उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, पहले 262 आवर्स लगते थे, अब 92 आवर्स लगते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्री कंप्लायंस एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट में, सिमिलरली मुंबई में भी डॉक्यूमेंट्री कंप्लायंस 65 से 35, कॉस्ट भी पहले से कम हो गया। सिमिलरली एक्सपोर्ट भी कर रहे हो तब भी 58 से 24, तो ऑलमोस्ट एक एक दिन में अब काम हो जाता है, कॉस्ट भी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम हैज रिड्यूस्ड इंस्पेक्शन सिग्निफिकेंटली। जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो चाहे इम्पोर्ट, मेनली इम्पोर्ट के लिए होता है ये, कि आपका जो इंस्पेक्शन है आप इंस्पेक्ट करते हो। पहले क्या होता था, वेसल इंस्पेक्शन मैनुअली होता था, अब वो डिजिटली होता है। ठीक है, जो सीलिंग होती है कंटेनर की, जो सीलिंग होते हैं, जो वेसल आते हैं या वेसल जाते हैं, शिप जो आती है या शिप जो जाती है, उसका इंस्पेक्शन अब मैनुअली नहीं होता, उसका डिजिटली होता है। उसके ऊपर जो सील लगी हुई होती है वो भी डिजिटल सील्स होती है, तो इसीलिए टाइम इतना कम लग चुका है कंप्लायंस, और आगे से कस्टम्स ड्यूटीज वगैरह भी रिड्यूस हो चुके हैं, तो चीजें ज्यादातर डिजिटल हो चुकी हैं, उसकी वजह से टाइम एंड कॉस्ट, तो उसी को रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। ई संचित क्वेश्चन मेरे हिसाब से यहां से ई संचित से ही आएगा। ई संचित allows traders to file all documents electronically. तो आपको ये fill up the blanks देंगे, या बोलेंगे which of the following allows the traders to file the documents electronically. E-Sanchit is a portal जिसके through आप अपने documents को electronically upload कर सकते हो for traders, जिसके time and cost दोनों ही reduce हो चुके हैं। देखा है कभी इस फॉर्म को? ई संचित आइज गेट ई कॉमर्स पोर्टल, ऐसा होता है। प्रोसेस गाइड, ई संचित, एफएक्यूज, ये सब आप लोगों को करना है। एग्जीक्यूटिव में जाओगे तो ये फाइलिंग आपको सिखाई जाएगी। ठीक है, तब मत बोलना है सर हम नहीं जानते ये संचित क्या है, हमें पता ही नहीं, सुन लिया ना टर्म। ठीक है, इन संचित क्या है, इसका एफएक्यूज, एफएक्यूज क्या होता है,
फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अबे ये तो हु कैन लॉग इन ई संचित एप्लीकेशन, ओनली आईज गेट रजिस्टर्ड यूजर कैन यूज ई गेट एप्लीकेशन। जो ट्रेडर्स होते हैं वो लोग ही कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लॉग इन करते हैं, कैसे अपलोड करते हैं, उसके सब कुछ है, कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, कितने डॉक्यूमेंट हम एक बार में कर सकते हैं, ये सब आपके सीएस के क्वेश्चन है, सीएस एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चन होंगे ये, ठीक है। तो ये फाइलिंग आपको आनी चाहिए, ये मेरा काम नहीं है, मेरे सर का काम है। ई संचित बता दिया कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड सर सिखाएंगे। फिर है स्टार्टिंग अ बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो प्रोसीजर है वो 11 से 10 हो गया, मुंबई में 12 टू 10 हो गया, टाइम भी आगे से रिड्यूस हो गया। आपको यहां से जो क्वेश्चन आएगा वो ये पैन टैन डिन एक साथ मर्ज कर दिया गया है, पहले अलग अलग फाइलिंग होती थी, अब एक साथ मर्ज कर दिया गया है स्पाइस फॉर्म। कोई फुल फॉर्म बता सकता? हाँ जी, परमानेंट अकाउंट नंबर, टेम्पररी अकाउंट नंबर, टैक्स 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 वाला नंबर, डिन डायरेक्टर वाला नंबर, ठीक है। तो ये तीनों एक साथ यूनिक नंबर होते हैं ना, ये सारे ये एक साथ मर्ज करके स्पाइस स्पेश कुछ कोई फुल फॉर्म जानते हो स्पाइस का? नहीं, थोड़ा सोचो क्या हो सकता है, कंपनी से रिलेटेड है। स्पाइस फॉर्म मसाला, स्पेश। हाँ बोलो बोलो, कौन बोल रहा था? स्पाइस जेड आ गया। जब आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हो तब सीएस की जरूरत होती है ना। वो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे भी रहता है, इंसॉल्वेंसी के टाइम पे भी रहता है, आप जब कंपनी को रिजोल्व कर रहे हो तो तब भी रहता है, और जब कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो तब भी आपके हाथों ही होना। तो स्पाइस आपका फॉर्म है, डॉक्टर्स के लिए प्रेस्क्रिप्शन होता है, सीएस के लिए स्पाइस होता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स स्पाइस फॉर्म देती है। कहां पे? अबाउट एमसीए एक्ट्स एंड रूल्स माई वर्क स्पेस एमसीए सर्विसेस, यस। हाँ ये देखो, डिन सर्विसेज, एलएलपी सर्विसेज, कंपनी सर्विसेज, रन, इसी में ही आता है सारा। यूनिक नंबर, रिजर्व यूनिक नंबर, फाइंड्स इन, ठीक है, एलएलपी। तो ये है आपका स्पाइस फॉर्म, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। व्हाट इज स्पाइस फॉर्म? सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली जब आप इनकॉर्पोरेट करते हो, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म जिसमें आप डिन टैन पिन ये सब दे सकते हो। स्पाइस 32। तो पैन टैन डिन विथ स्पाइस। क्रेडिट पहले से ज्यादा एक्सेसिबल हो गया है जिसके वजह से भी डीटीएफ का स्कोर इम्प्रूव हुआ है, सिक्योर्ड क्रेडिटर मिल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोसेस भी पहले से ज्यादा इजी हो रखा है, तो जिसके वजह से इंडिया का ओवरऑल रैंक 100 से 77 वापस में ही रैंक है। तो जैसे आप ऑल ओवर द वर्ल्ड हम इंडिया को कंपेयर कर रहे हैं, वैसे ही इंडिया की इंटरनल भी कंपैरिजन है,
ठीक है, इंडिया के अंदर भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो आज आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा, ठीक है, नेक्स्ट जो नेक्स्ट पोर्शन रहेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होमवर्क देखो, सबसे पहले आप स्पाइस का फॉर्म देखोगे, देख के उसका अच्छे से हर पॉइंट को देख के, स्पाइस के फॉर्म को देख के उसका स्क्रीनशॉट लोगे और मेरे को भेजोगे। स्पाइस फॉर्म एक ई संचित का पोर्टल भी देखोगे और उसको भी देख के पढ़ के समझ के, खाली देखना और एक एक पॉइंट पे जाना, इतना टाइम नहीं होगा आपके पास, लेकिन एक ओवरऑल आपको पेज आइडेंटिफाइड हो जाना चाहिए कि ये ई संचित का पेज है और ये मेरा स्पाइस का पेज है, तो उसका भी स्क्रीनशॉट आप मेरे को भेजना। एक तो ये काम, दूसरा है ये जो डीबीआर रिपोर्ट है, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का है, टॉप 10। इंडिया का रैंक टॉप 10 में तो नहीं है तो इंडिया का नाम आपको मिलेगा भी नहीं, ठीक है। डीबीआर रिपोर्ट में टॉप 10 नेशंस के क्या नाम है, वर्ल्ड रैंकिंग में कौन सा कंट्री सबसे ऊपर आता है इन डीबीआर रिपोर्ट, जो 2019 का ही मिलेगा, 2020 का मिलेगा नहीं। थर्ड, स्टेट वाइज, इंडिया के स्टेट वाइज भी एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, ठीक है, कौन से स्टेट में आप, इसमें भी 10 टॉप स्टेट, टॉप 10 स्टेट जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग है जो सबसे अच्छा है, लाइक तेलंगाना, लाइक आंध्र, आपको ज्यादा सदर्न स्टेट्स मिलेंगे, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वहां सबसे अच्छा है क्योंकि वहां डिजिटल एंड टेक्निकल स्टफ ज्यादा है, तो वहां टाइम कम लगता है, कॉस्ट कम लगता है, सोशल फैब्रिक भी यूनिफॉर्म है, होमोजिनस है, नॉर्थ इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया की तरह उतनी डाइवर्सिफाइड नहीं है, ठीक है, उतनी डाइवर्सिटी नहीं है, तो इसीलिए। तो ये तीन होमवर्क है, क्या होमवर्क, पहला होमवर्क आपको उनके स्क्रीनशॉट भेजना है दोनों के, दूसरा है डीबीआर रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग तो चलो मिलेगी नहीं 10 में, बाकी जो 10 में मिले आपको, ठीक है, नेशंस उनका बताना है, टॉप 10 नेशंस, एंड एट द सेम टाइम स्टेट वाइज क्या चल रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। तो दैट विल बी द होमवर्क फॉर टुडे, थैंक यू। सेवन, ठीक है, चैप्टर 7 का लास्ट सेक्शन करेंगे। एक और क्लास हो चुकी है, लास्ट क्लास जो यस्टरडे थी, और आज चैप्टर 7 का सेकंड क्लास है, ठीक है। चैप्टर 7 इज अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट, कि बिजनेस एनवायरनमेंट किसको बोला जाता है, क्या इसके टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, क्या इसके सोशल फैक्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस होते हैं जो आपके बिजनेस के डिसीशन मेकिंग को हेल्प करते हैं, और यदि आपको फेवरेबल हेल्प करे तो आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेटर हो जाता है, और आपको नॉट फेवरेबल लगे, ज्यादा रायट्स होते हो, स्ट्राइक्स होता हो, फ्लड होता हो, सोशल कंडीशन सही नहीं हो, पॉलिटिकल एटमोसफियर अनस्टेबल हो, वहां पे बिजनेस करना आसान नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए देखो, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे जो कंट्री हैं, न्यूजीलैंड, ये टॉप मोस्ट है क्योंकि यहां सोशल स्टेबिलिटी के साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, तो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये चैप्टर मेनली उसी पॉइंट से है कि गवर्नमेंट ने क्या नया किया, क्या ऐसा किया, कितना इनोवेशन किया, क्या रिसर्च किया, क्या हेल्प दी स्टेट्स को, जिसके वजह से उनके परफॉर्मेंस अच्छे हुए और वहां पे आंध्रा, तेलंगाना, यहाँ पे बिजनेस अच्छा हो रहा है, नए इन्वेस्टमेंट वहीं क्यों जाते हैं, कहीं और नहीं जाते, क्योंकि जरूर गवर्नमेंट का सपोर्ट हो रहा होता है। गवर्नमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट को इजीली करके देती है, ईज बना के देती है, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ, SEZ, दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन देता है कि ये इकोनॉमिक जोन है, इकोनॉमिक एरिया है, जैसे फूड पार्क है, नॉलेज पार्क है, ये सब क्या है कि नॉलेज पार्क में सारे कॉलेजेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो उस एरिया को फैसिलिटेट किया जाता है ताकि उस इंडस्ट्री को वो हेल्प कर सके, ठीक है। तो कॉरिडोर्स बनाना, ये जो स्मार्ट सिटीज के प्रोजेक्ट है, स्मार्ट विलेजेस के प्रोजेक्ट हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना के देना, कॉरिडोर बना के देना ताकि ट्रांसपोर्टेशन अच्छे हो और इंडस्ट्री से जो रिक्वायर्ड इनपुट हो वो वहीं यदि अवेलेबल हो, आसपास अवेलेबल हो, चाहे दूर भी अवेलेबल हो, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन यदि ईजी हो जाए तो इंडस्ट्री को बहुत हेल्प होता है, उसके कॉस्ट मिनिमम होते हैं, नेचुरली प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है,
ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, जिसके वजह से आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेटर होता है। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT इन कोऑर्डिनेशन विद सेंट्रल मिनिस्ट्री, सेंट्रल डिपार्टमेंट एंड जो स्टेट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन्होंने सेवरल रिफॉर्म मेजर्स लिया है ताकि एक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जो गवर्नमेंट का है वो रेगुलेशन से ज्यादा फैसिलिटेटर बने। गवर्नमेंट को हम क्या समझते हैं, एक टाइम था जब गवर्नमेंट को हम बोलते थे लाइसेंस राज, मतलब लाइसेंस लगा रहा है, हमें लिबरल नहीं होने देना, हमें बिजनेस नहीं करना, खाली रोक टोक रोक टोक, ठीक है, लेजर स्फीयर में इंटरवेंशन कर रहा। लेकिन अब गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं कर रहा, गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट कर रहा है, आपको फैसिलिटेटर बन के आ रहा है, कोऑर्डिनेटर बन के आ रहा है, दो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोऑर्डिनेटर बन रहा है गवर्नमेंट, ठीक है। सपोज एक प्राइवेट बैंक है, एक गवर्नमेंट बैंक है, ठीक है, उनके बीच में गवर्नमेंट कोऑर्डिनेटर बन रहा है और दोनों को मर्ज करवा रहा है, एक बड़ी इंडस्ट्री गवर्नमेंट की और एक और बड़ी इंडस्ट्री से प्राइवेट की, लेकिन एक शायद लॉस मेकिंग है, चलो लॉस मेकिंग ना भी सही, लेकिन फिर भी हेल्प करने के लिए दोनों के बीच में नीति आयोग, नीति आयोग का क्या काम है, नीति आयोग एज अ कोऑर्डिनेटर ही काम करता है, वो डिफरेंट वर्टिकल्स के बीच में, डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में एज अ कोऑर्डिनेटर बनता है, ठीक है। मैं आपको नहीं जानती, मैं आपको नहीं जानती, ठीक है, लेकिन दोनों यदि आपस में जानते हो तो मैं भी ऑटोमेटिकली आपके साथ लिंक हो रही हूं, ठीक है। तो बिजनेस इससे इम्प्रूव्ड होता है। तो गवर्नमेंट हर जगह, जैसे स्टार्टअप होता है, स्टार्टअप इंडिया का क्या प्रोजेक्ट है, स्टार्टअप यही है कि यदि आप स्टार्टअप कर रहे हो तो आपके कॉस्ट गवर्नमेंट बेयर करेगी बहुत हद तक, फिर आपको रेगुलर बिजनेस देगी, रेगुलर एक्सपोजर देगी, इंटरनेशनल फोरम में लेके जाएगी, एक्सपर्टाइज लेके आएगी, आपको इंटरनेशनल क्लाइंट दिलवाएगी, आपको IPO में मदद करेगी। तो इतने सारी चीज जो आपके एक्सपर्टीज में नहीं थी, जो आपके पॉसिबिलिटी में नहीं थी, वो सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है। तो गवर्नमेंट आपको, जैसे आप बिजनेसमैन हो, मैं बिजनेस, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट यदि प्रगति मैदान दिया है हमें और फिर बोल रहा है कि आप यहां आके ट्रेड फेयर करो, तो हम एक दूसरे को जानने लगे, आप मेरे इनपुट, मैं आपका आउटपुट, ठीक है। तो एक दूसरे से लिंक हो जाता है, इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बेटर हो जाता है। तो गवर्नमेंट फैसिलिटेटर, कोऑर्डिनेटर, मीडिएटर बन रहा है ताकि इजी हो जाए बिजनेस करना। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में DPIIT का नाम बार बार आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इन्होंने बहुत बार रिफॉर्म लिया है, रेगुलर रिफॉर्म करते हैं, रेगुलर वर्कशॉप कंडक्ट करवाते हैं ताकि लेस परफॉर्मिंग स्टेट एंड मोर परफॉर्मिंग स्टेट्स दोनों हैंड होल्डिंग मेथड के साथ आगे आ सके। यहां वापस इन्होंने गलती से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना CSEE के ICSEI वाले, तो गलती से ये वापस पेस्ट हो गया, इग्नोर, क्योंकि देखो हम DPIIT की बात कर रहे हैं, वापस वर्ल्ड बैंक कहां से आएगा, वापस DBR आ गया यहां पे, तो DBR यहां पे अब नहीं आएगा, वापस वही देखो 23 रैंक्स। तो यहां ये पैराग्राफ नहीं आना चाहिए, इसके बाद वाला सेक्शन देखते हैं यहां से, ठीक है। DPIIT के बाद ये वाला सेक्शन आएगा, स्टार्टिंग अ बिजनेस द मिनिमम, गवर्नमेंट ने अब देखो क्या क्या किया, डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड, आप इंटरनल ट्रेड को प्रमोट एंड फैसिलिटेट करने के लिए सारे जो रेस्ट्रिक्शन है उसको मिनिमम कर रहे हो, उसको लिबरलाइज कर रहे हो, उसको सपोर्ट दे रहे हो, कैसे, कैपिटल जो रिक्वायर्ड होता है प्राइवेट कंपनी के लिए अंडर कंपनीज एक्ट 2015, उसका मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उसको भी एलिमिनेट कर दिया गया। आप अभी अभी बैठे बैठे कंपनीज तैयार कर सकते हो थ्रू स्पाइस फॉर्म, मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब पेपर पेन में आ जाएगा आपका कंपनी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए XCS का पोर्टफोलियो बस वही चाहिए होता है, डायरेक्टर्स के नाम चाहिए होते हैं, उनके पैन टैन डेन चाहिए होते हैं, आपने सबके डिटेल दे दिया, पता चल गया कंपनी स्टार्ट हो गई, कोई कैपिटल की जरूरत ही नहीं है। अदरवाइज आगे मिनिमम एक कैपिटल से 50 लाख की कैपिटल की जरूरत थी या 25 लाख की कैपिटल की जरूरत थी, वो आपको दिखाना पड़ता था, फिर कंपनी स्टार्ट होती थी। तो बिजनेस प्लान में तो आ ही गया, अब इम्प्लीमेंट करने के लिए आप पैसे का जुगाड़ कर रहे, ठीक है। तो एलिमिनेशन ऑफ द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, इंट्रोड्यूस अ सिंगल फॉर्म, बोली रही थी अभी मैं, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली बाय मर्जिंग डिफरेंट, पहले अलग से डिन नंबर लेना पड़ता था, अलग से अप्लाई करना पड़ता था, अलग पोर्टल पे जाना पड़ता था, अलग से टैन,
एन पैन ये सब अलग 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 अपडेट एंड अपलोड करना पड़ता था। अब सिंगल फॉर्म, धीरे धीरे इकोनॉमी जितने डिजिटल बन रही है, या आप भी जानते हो गवर्नमेंट के एक ऐप से, जैसे आपको वैक्सीनेशन लेना है तो पता है ना कौन से ऐप पे जाना है? मैं तो सोच रही थी आपको पता है, आप अपने पेरेंट्स वेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को बताओगे, उनकी रजिस्ट्रेशन करवाओगे, खुद को ही नहीं पता है। हाँ, आरोग्य सेतु आप, और छोड़ो ढूंढ लेना, मुझे तो लेना है, मैं तो रजिस्ट्रेशन करवा लूंगी, वैक्सीनेशन ले लूंगी, ये मास्क वास्क छोड़ दूंगी, आप लोग पहनते रहना। दिसंबर तक भी आप लोगों का नंबर नहीं आने वाला, जो जो तरीके आप लोग कर रहे हो। वैक्सीनेशन अब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी मिलेगी, ये तो पता है। क्या करते हो, इतनी बड़ी बड़ी न्यूज सामने आती है, आपको नहीं पता है? करंट अफेयर्स में लोग मर रहे हैं, मतलब CSDWBT में खाली आप रैंक मत देखोगे, अच्छे रिजल्ट, बुरे रिजल्ट भी होते हैं, फेल भी लोग हो रहे हैं। सब क्लियर हो रहे हैं? जो क्लियर नहीं हो रहे वो किस में जा रहे हैं, एक बार पूछना तो जरा। क्या मैं इको में ही जा रहे होंगे? इको में नहीं जा रहे, वो करंट अफेयर्स में जा रहे हैं, करंट अफेयर्स में स्कोर नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो अपने करंट अफेयर्स को अच्छे से कर लो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि कौन से ऐप से आपको रजिस्ट्रेशन करना है कोविड वैक्सीन के लिए। आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो ही आपका नंबर आपके पास मैसेज आएगा, तो ही आप जा पाओगे, आपको अलॉटमेंट करा जाएगा, ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल, ये अपॉइंटमेंट लेना होता है, अपॉइंटमेंट स्लॉट आएगा, आप एग्री करते हो नहीं एग्री करते हो, फिर आगे चीजें जाएगी। सब चीजें डिजिटली हो गया है, नहीं तो क्या लाइन लगाने का सोचा था? सबके पैन आज आप पूछ लो, सबके पैन है PAN, कौन किसके नहीं है? मुझे हफ्ते भर के अंदर आपका पैन का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म चाहिए, मतलब मैंने रजिस्टर कर दिया, उसका मैसेज चाहिए मुझे। पैन आने में भले ही 15-20 दिन लगे, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, वो मैसेज मेरे को हफ्ते भर, 1, 2, 3, 4, 5, और किसका बाकी है? को क्या लगा मेरे को पता नहीं चलेगा, मेरे को पता नहीं चलेगा, ये लगा क्या? जो बोला इनको समझ में आ गया, विद इन 7 डेज, कुछ पैसे खास लगते नहीं है, 100-150 अराउंड लगता है, तो कर लेना, और वो भी आपसे किसी से नहीं होता तो एजेंट होते, उनको दे देना पैसे। ठीक है, अनएजुकेटेड लोग देते हैं एजेंट को, पढ़े लिखे लोग खुद ही कर लेते हैं। तो आप डिसाइड कर लो कौन से कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, फिर मन में, मैं तो 18 साल का नहीं हूं, मैंने तो बिजनेस ही नहीं किया, किस बात का टैक्स दूंगा, किस बात का अकाउंट नंबर चाहिए? तो भाई पहले पैन क्रिएट कर लो। ठीक है, तो पैन आपका मेरा, मेरे को चाहिए। सबके अकाउंट नंबर है, बैंक अकाउंट कोई है जिसका नहीं है? सच सच बोल देना, मैं क्योंकि ये पता चल जाएगा। कि मैं तो कैसे कैसे करूं, बोलो बोलो बोलो, पूछो अकाउंट कैसे बनाऊं मैं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। आपके आसपास जो भी बैंक है, बैंक के पास अभी तक आपके पास जो भी पेपर्स हैं, आपके पास मैक्सिमम भी है ही क्या? आपके पास सर्टिफिकेट्स होंगे कुछ? ठीक है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह होगा, वो सर्टिफिकेट लेके जाना। नहीं, सबसे पहले तो आपको पैन करना, पैन हो गया ना आपका? पैन भी नहीं है तो सबसे पहले पैन करवाओ, पैन कराओ, आधार होगा। ठीक है, तो पैन एंड आधार लेके, अपने बर्थ सर्टिफिकेट को लेके, स्कूल जो जो सर्टिफिकेट लेके चले जाओ, बैंक में फिलअप कर लो, ऑनलाइन करना चाहो ऑनलाइन कर लो, वो घर आके कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको पैसे डिपॉजिट करने पड़ेंगे। आप यदि जीरो बैलेंस करना चाहते हो तो आप बैंक जाना पड़ेगा, बैंक जाके आप करवा लो।
अब ये सब क्यों बोल रही हूं, पैन नंबर, अकाउंट नंबर, जैसे चावल बोले जितने पुराने उतने अच्छे, ये भी जितने पुराने उतने अच्छे। इकोनॉमिक वर्थ होता है हर इंडिविजुअल का, तो आपका वर्थ इस बात से मेजर्ड होता है कि आपका पैन कितना पुराना, आप कितने क्रेडिबल हो। ये आगे अभी पता नहीं चल रहा, आगे बहुत बाद में पता चलेगा आपको, ठीक है। तो जितना जल्दी, जितना अर्ली ये सब होता है उतना अच्छा होता है, आपकी आइडेंटिटी जुड़ी हुई होती है इन सारी चीजों से। तो पैन एंड अकाउंट नंबर जितने पुराने होंगे उतना अच्छा होगा, तो जल्दी से जल्दी इसको किया जाए। सबसे पहले तो पैन हो, उसके बाद अकाउंट नंबर, ठीक है। सर्टिफिकेट दुनिया में जितने हैं सब मेरे पास नहीं है तो ये चिंता वाली विषय होती है। आपके पास यदि पासपोर्ट नहीं है, प्रॉब्लम है। आपके पास आधार नहीं है, आपके पास पैन या जो भी आपके पास नहीं है उसको कर लो, कब क्या जरूरत पड़ जाए आपको कुछ नहीं पता है। टाइम है, अभी क्या दिक्कत हो रही है, सब कुछ ऑनलाइन होता, ठीक है। तो सबसे पहले पैन करवाओ, अकाउंट नंबर करो, आधार सबके पास होगा, ये दो तीन चीजें हो जाएगी, पासपोर्ट भी बन जाएगा, ठीक है। अदरवाइज बाद में फालतू में ज्यादा पैसे लगाओगे क्या फायदा, अभी एकदम कम पैसों में हो रहा है या जीरो पे हो रहा। आया ऋषभ, मैं 7 दिन के अंदर पूछूंगी, पैन का पूछूंगी। आयुषी, ऋषभ, दिव्या, संगम एंड तनु एंड आकांक्षा एंड ज्ञानेंद्र, लोचा है वो, मेरे को नहीं करना, वो टैक्स डिपार्टमेंट जाने। अरे अब वो सब बातें नहीं है, अब वो सब बातें नहीं है, आई बिलोंग टू दैट कुछ नहीं होता है। यू आर एन इंडियन सिटीजन, यू कैन डू इट फ्रॉम एनी वेयर। ऑनलाइन प्लीज, ऑनलाइन इतने लोगों के पास क्यों जाते हो। कुछ नहीं करना पड़ता। अब देखो मैं मुझे एनकेजे काफी सैलरी देता है, तो आई डोंट, ये साइड वाला बिजनेस मुझे नहीं चाहिए। आप जैसे भी करो मुझे मतलब नहीं है, 7 दिन के अंदर मुझे पैन चाहिए। 15 दिन नहीं दूंगी, 7 दिन, चाहे कुछ भी कर लो आप। ठीक है, 7 दिन के अंदर आपका पैन नहीं आया और उसके बाद 7 दिन के अंदर अकाउंट नहीं आया, सीएसडब्ल्यूटी के क्लास में ये लोग नहीं दिखने चाहिए, मेरी क्लास में नहीं दिखने चाहिए, ठीक है। जिसका इकोनॉमिक वर्थ नहीं है वो इकोनॉमिक्स क्या पढ़ेगा, पॉइंट है। मतलब आप तो जीडीपी का हिस्सा ही नहीं हो, आपको आप दिखाई नहीं दे रहे हो, किसको पढ़ा रही हो, कौन है यहां, कौन बैठा है। प्रॉब्लम, हाँ बोलो। नहीं लेना, नहीं लेना, 2020 मत लो। वो लोग रिपोर्ट दे रहे हैं लेकिन उस रिपोर्ट को बाद में खुद वर्ल्ड बैंक ने ही निगेट कर दिया था, ठीक है। तो वो नहीं करना, 2020 डिलीट। अजाइल फॉर्म, ई फॉर्म अजाइल, विच इज एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जीएसटी के लिए आपको अजाइल फॉर्म भरना पड़ता है। जीएसटी एक टिन नंबर लेना पड़ता है, एक नंबर लेना पड़ता है, उसके लिए आपको अजाइल भरना पड़ता है। तो आपको पूछेंगे कौन सा फॉर्म है जिससे आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, तो देयर इज अजाइल फॉर्म। और उसी अजाइल फॉर्म की आप ईपीएफओ एंड ईएसआईसी दोनों एक साथ ही ले सकते हो, जो स्टेट इंश्योरेंस होती है एंड प्रोविडेंट फंड होते हैं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड होता है, ये दोनों आप अजाइल फॉर्म से ले सकते हो। पहले इसका ईपीएफ का अलग नंबर लेना पड़ता था, जीएसटी का अलग एंड ईएसआईसी का अलग, कंपनीज का जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके प्रोविडेंट फंड एंड इंश्योरेंस के लिए अलग नंबर चाहिए होते हैं, तो उनका अब एक ही साथ एक ही एजाइल फॉर्म में ये तीनों आपको मिल जाएंगे। लॉन्च ऑफ रन, यूनिक नेम,
रिजर्व यूनिक नेम, हर कंपनी का एक यूनिक नेम होता है, तो उसको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, उसको भी रिजर्व करना पड़ता है। अब डिजिटल सिग्नेचर की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर भी हटा दिया गया, नहीं चाहिए। फी अब जीरो पे कन्वर्ट हो गया है, विथ ऑथराइज कैपिटल अप टू 15 लाख। इनकॉर्पोरेशन की फी कम हो गई है विथ कंपनीज, 15 लाख तक की कंपनी यदि आप बना रहे हो तो उसके लिए इनकॉर्पोरेशन फी नहीं लगेगा। एक एक पॉइंट चाहे जितनी बार पढ़ लो, पढ़ना मिनिमम 10 टाइम्स, जब तक ये याद ना हो जाए कौन से फॉर्म में क्या होता है, एजाइल फॉर्म से क्या होता है, स्पाइस फॉर्म में क्या होता है, रन से क्या होता है, डीएससी क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन फी कितनी है ही नहीं, जीरो। किसके लिए? 15 लाख के इनकॉर्पोरेशन के लिए। फिजिकल पैन अब आजकल जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ पैन नंबर की जरूरत है, फिजिकल पैन कार्ड की जरूरत नहीं है। अब कहीं भी फिजिकल, इवन फिजिकल आधार की भी जरूरत नहीं है, कोई भी चीज की फिजिकल वैलिडिटी अब ऑलमोस्ट खत्म है, आपको जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ दिखाना पड़ता है पीडीएफ फॉर्म में, या उस चीज को डिजिटली दिखाना पड़ता है कि ये है मेरे पास। तो ज्यादातर चीजों में ये हो रहा है, फिजिकल शो अब खत्म हो गया। सीएस जैसे एकदम अपडेटेड कोर्स में आ रहे हो और ऐसे आउटडेटेड लोग इसमें आएंगे प्रोफेशन में, कैसे चलेगा? ऑनलाइन एंड कॉमन रजिस्ट्रेशन एक साथ ही होगा, ईपीएफओ एंड ईएसआई का एक साथ रजिस्ट्रेशन होता है, नंबर आप जीएसटी के साथ ही ले रहे हो, लेकिन आप इन दोनों का रजिस्ट्रेशन एक साथ करवा रहे हो ऑन श्रम सुविधा पोर्टल, ठीक है। तो एनी कॉस्ट एंड एनी इंस्पेक्शन की अब जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट इंस्पेक्शन करने कौन जाता है, सब डिजिटली इंस्पेक्शन होती है। बैंक अकाउंट डिटेल जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए मैंडेटरी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली लिंक्ड होती है, ठीक है, क्योंकि आप आधार कार्ड के साथ अकाउंट को लिंक कर ही चुके हो, केवाईसी आपने कर ही रखा होगा, पेटीएम यदि है तो उसमें भी आपने केवाईसी कर ही रखा होगा, तो लिंक आधार लिंक्ड है आपके अकाउंट, तो आपके जो भी पेमेंट बैंक आप लेते हो सब में एक ही आधार कार्ड का लिंक चल रहा है, तो आधार को क्लिक करते ही उनको वैसे भी सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि आप कौन कौन से अकाउंट से काम करते हो या क्या काम कर रहे हो। आधार, क्योंकि पहले देखो सिंगल एक कार्ड नहीं था किसी के पास, जिसको पीटीएस कार्ड बोलते हैं, रेशन कार्ड, राशन के जो कार्ड होते वो होते थे, किसी के पास वोटर होता था एंड सो ऑन, तो यूनिक आइडेंटिटिफिकेशन जो नंबर होता है वो आधार कार्ड के, जिसमें रेटिना स्कैनिंग, फिंगर स्कैनिंग विच इज यूनिक, वो कभी भी डुप्लीकेसी नहीं हो पाएगी, तो ये बहुत एक यूनिक, बहुत हजारों करोड़ इसका एक प्रोजेक्ट चला था, तो आधार फाइनली अब सबका हो चुका है। जिसका नहीं है, जब गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आए थे पहले तो ये माना गया था कि आधार आपके पास है तो ही आपको गवर्नमेंट की फैसिलिटीज मिलेगी, ठीक है, गवर्नमेंट से फूड एंड मनरेगा नरेगा के तहत जो पैसे मिलेंगे, अटल पेंशन योजना, ये सब इसके तहत मिलेगा, ये बोला गया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको बंद कर दिया, बोला कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि 1% लोगों के पास भी आधार नहीं है, वो कौन से लोग हैं? वो वही लोग हैं जिनको गवर्नमेंट की फैसिलिटीज की जरूरत है, तो उस आधार के बेसिस पे आप नहीं करोगे तो जिनके लिए आधार करा है वही फैसिलिटी उनको नहीं मिलने वाली, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी नहीं किया। उसके बाद में प्राइवेट एजेंसीज, यदि एक दो साल पहले की बात यदि याद करो, सारे टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनीज थी, वोडाफोन, आइडिया, इन सबके पास सबने आपके आधार लिए थे, तो वापस गवर्नमेंट के ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि नहीं, आप प्राइवेट कंपनीज के लिए आधार मैंडेटरी नहीं है, आपको जरूरी नहीं कि वहां आप आधार दो, वहां आप अपने फिंगरप्रिंट जाके दो, क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, हो सकता है प्राइवेसी आपकी ब्रीच हो जाए, ठीक है, तो प्राइवेसी ब्रीच का जो वर्डिक्ट था वो 2 साल पहले ही आ चुका है और आधार हर जगह मैंडेटरी अब नहीं है। कंस्ट्रक्शन परमिट में अभी ये जो लास्ट पढ़ा था ये क्या पढ़ा था? स्टार्टिंग अ बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फाइल फॉर्म वॉर्म चाहिए। अब आता है कंस्ट्रक्शन परमिट से रिलेटेड हमें क्या करना है, क्या क्या चेंज करा है DPIIT ने, उन्होंने क्या रेफरेंस दिया है, क्या रिफॉर्म किया है। ऑनलाइन सिंगल विंडो, ये बार बार सुनोगे आप, ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम, एक ही पोर्टल पे, एक ही पेज पे आप जल्दी गवर्नमेंट के पेज पे जाओगे, आपको सारी डिटेल्स वहीं मिल जाएगी, वहीं सारी चीजें हो जाएंगी, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है।
ठीक है, आप कैसे कर रहे हो, जैसे आप यदि कंस्ट्रक्शन परमिशन चाहिए तो अलग अलग बोर्ड के पास नहीं जाना पड़ेगा। अलग अलग बोर्ड क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, कंस्ट्रक्शन परमिशन लैंड डिपार्टमेंट होता है, सेटलमेंट डिपार्टमेंट होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट अलग होता है, टैक्स डिपार्टमेंट अलग होता है, कितने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, इंटरनल वायरिंग एंड सो ऑन, बहुत सारे डिपार्टमेंट की परमिशन चाहिए होती है, तब जाके आपका कंस्ट्रक्शन शुरू हो पाएगा। तो वो इतने डिपार्टमेंट में मैं घूमते रहूं तो स्टार्ट कब करें, तो उसके लिए उन्होंने सिंगल विंडो क्लियरेंस कर रखा है कि आप एक ही जगह विजिट करो, अपने आप अपने डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो सारे अपलोड कर दो, क्लियर होना तो आ जाएगा, नहीं क्लियर होता तो डिस्क्वालीफाई होकर आ जाएगा। ठीक है, सो दैट इज सिंगल विंडो सिस्टम जो मेनली अर्बन एरिया में हो चुका है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन सब में इंडिविजुअली आपको विजिट नहीं करना पड़ेगा। बिल्डिंग बायलॉज 2016 दिल्ली में इंट्रोड्यूस हुआ है कि आपके लॉज यूनिफाइड बिल्डिंग लॉज, एक एरिया में सारे बिल्डिंग के लिए एक ही लॉ अप्लाइड है, आपको हर बिल्डिंग के लिए अलग अलग एप्लीकेशन देनी नहीं पड़ती या अलग अलग परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। डीम्ड अप्रूवल, यदि टाइम से अप्रूवल नहीं आया, रिजेक्शन भी नहीं आया, अप्रूवल भी नहीं आया, हम ऑटोमेटिक उसको अप्रूवल ही मान लेंगे, गलती आपकी है, मैंने तो सबमिट कर दिया था, रिजेक्ट करना था तब भी आपको 15-20 दिन के अंदर कर देना था, एक्सेप्ट करना था तब भी आपको करना था, दोनों ही नहीं आया तो मैं तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, सो डीम्ड अप्रूवल टाइमलाइन के अंदर नहीं आया तो रिस्क बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस फॉर फास्ट ट्रैकिंग, बिल्डिंग प्लान को फास्ट ट्रैक करने के लिए रिस्क बेस्ड क्लासिफिकेशन की गई है कि यहां 10 स्टोरीड वाली होगी, यहां 20 स्टोरीड वाली होगी या 30 स्टोरीड वाली होगी, अलग अलग रिस्क होता है। यमुना बैंक के ईस्ट में क्या होगा, यमुना बैंक के वेस्ट में क्या होगा, अलग अलग रिस्क क्लासिफिकेशन है, अकॉर्डिंगली आपको परमिशन लेनी होती है, वो एक ही साथ होता है। नोटराइज सर्टिफिकेट एफिडेविट्स, ये अब जरूरत नहीं है, ई अंडरटेकिंग हो चुकी है, पहले नोटरी सर्टिफिकेट लगती थी, आपको कोर्ट जाना पड़ता था, सर्टिफिकेट लेना पड़ता था, नोटरी पब्लिक से साइन करवाना पड़ता था, कोर्ट से स्टैंप लगता था, अब ई अंडरटेकिंग हो चुकी है, ज्यादातर में ई अंडरटेकिंग है, ई नोटरी सर्टिफिकेट्स है। सिंगल ज्वाइंट इंस्पेक्शन, अलग अलग इंस्पेक्टर नहीं आएगा, अलग अलग पैसे नहीं खाएगा, एक ही बार में आएगा। रोड कटिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वाटर, ये प्रोसेस थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हुआ है आगे से। ठीक है, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो नाउ इजी, कंपैरेटिवली इजी देन अर्लियर, ऐसा नहीं कि एकदम इजी हो गया, लेकिन आगे से इजियर हो गया। यहां भी इंटरनल वायरिंग के लिए जो इंस्पेक्शन आता था अब नहीं आता, क्योंकि कोई अब इंटरनल एक्सटर्नल वायरिंग करवाता ही नहीं, सब चीजें ही ऐसी बनी हुई होती है कि उसको इंटरनल वायरिंग की ही जरूरत है, एक्सटर्नली वो करेगा ही नहीं। ठीक है, तो वो अब होती नहीं, इंस्पेक्शन होती नहीं है। 25,000 तक का ही मैक्सिमम चार्ज लगा रखा है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन के अब चार्जेस नहीं लगते, अप टू 150 किलोवाट। एक्सटर्नल कनेक्शन के लिए भी टाइम अब रिड्यूस हो चुका है, आप कनेक्शन लेने के लिए एक दो दिन में आपके घर में कनेक्शन आ जाएगा। क्रेडिट भी आगे से सिक्योर्ड लोन मिल चुका है, आगे से ज्यादा इजी हो जाता है गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट बैंक से क्रेडिट लेना। टैक्सेस तो बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड हो चुका है, 17 इनडायरेक्ट टैक्स को आपने रिप्लेस कर दिया एक टैक्स से, विच इज GST। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स 30% से 25% फॉर कंपनीज विथ टर्नओवर 250 करोड़, ये कम करा गया, वो भी एक हेल्प है, बहुत बड़ी हेल्प है। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन हैज बीन इंट्रोड्यूस एनेबलिंग इजियर रिटर्न पेमेंट, ये जो ESIC के थ्रू जो पेमेंट जाती है कंपनीज की, वो ई पेमेंट जाती है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पेमेंट जाती है, उसे पेमेंट करना भी ईजी होता है, रिट्रीव करना भी ईजी होता है। EPF मैंडेटरी कर दिया गया, आपको एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड देना ही है, लेकिन वो भी इलेक्ट्रॉनिकली ही देना है। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस एकदम नेग्लिजिबल कर दिया, ठीक है, आपके टोटल एक्सपेंडिचर के एकदम नेग्लिजिबल चार्जेस कर दिए क्या। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट है, कॉस्ट एंड टाइम दोनों ही कम हो चुके हैं, कॉस्ट एंड टाइम ऑफ इम्पोर्ट थ्रू वेरियस इनिशिएटिव, इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग ऑफ द कंटेनर्स, अपग्रेडेशन ऑफ पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, अलाइंग इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट विद डिजिटल सिग्नेचर, ये एक झटके में टाइम को कम कर देता है। इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग हो गई,
कोर्ट को इतना अपग्रेड कर दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर दिया गया है ताकि आप इलेक्ट्रॉनिकली हर चीज को कर सको। ठीक है, खाली सिस्टम करने से नहीं होता, पोर्ट को भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ता। तो पोर्ट को उतना क्वालिफाइड, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर उसका स्ट्रांग किया है, इन्वेस्टमेंट किया हजारों करोड़, तब जाके पोर्ट अपग्रेडेड हुए हैं। रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन फॉर बोथ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट वेयर बाय ओनली अबाउट 5% ऑफ गुड्स आर फिजिकली इंस्पेक्टेड। जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो रहा है उस गुड को इंस्पेक्शन, अब फिजिकल इंस्पेक्शन कम हो गया। ठीक है, सारा इलेक्ट्रॉनिकली इंस्पेक्शन। एडवांस बिल ऑफ एंट्री, कंटेनर आने से पहले बिल ऑफ एंट्री फिनिश्ड है, हो गया। कंटेनर कल आएगा, वेसल शिप कल आएगी और आज ही सारा बिल विल ये सारा रेडी है, आते ही डिस्पैच हो जाएगा, प्रोडक्ट फिर लॉन्च हो जाएगा, चला जाएगा, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में निकल जाएगा, इतना ईजी हो गया। इक्विपमेंट ऑफ नवशेवा पोर्ट इन मुंबई हैज बीन अपग्रेडेड बाय एडिंग 50 न्यू रबर टायर गैंट्री क्रेन्स। द फेज वन ऑफ द फोर्थ कंटेनर टर्मिनल एट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट विद एन एडिशनल एनुअल कैपेसिटी ऑफ 2,40,000 TEU। ये क्या है? ये एक मेजरमेंट है जो पोर्ट में यूज होता है, विच इज 20 इक्विवेलेंट यूनिट। ठीक है, 20 इक्विवेलेंट यूनिट जब पोर्ट को अपग्रेड किया, ये रिसेंटली हुआ है। अब सबसे बिजी पोर्ट बाय द वे कौन सा है? कांडला पोर्ट। कहाँ है कांडला? गुजरात। ठीक है, और जो सबसे बड़ी कंपनी है वर्ल्ड वाइड पोर्ट से जो कंपनी जुड़ी हुई है, दैट इज CMA। ठीक है, CMA कंपनी है जो मोस्ट प्रोबेबली इटालियन कंपनी है। तो जो भी है, ये CMA एंड अदानी ग्रुप, मुंद्रा ग्रुप, अदानी ग्रुप, ये पोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ही ये ग्रुप है, बिजनेसमैन है। तो कांडला को रिसेंटली बहुत पैसे लगे हैं और कांडला पोर्ट को और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इसका डेवलप किया गया है ताकि ये जो एक्सपेंशन, आप इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के भरोसे पूरे देश को चलाने वाले हो, तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट क्या आता है? थ्रू शिपवेज ही आता है, वाटरवेज ही आता है। तो आपको पोर्ट को भी एक्सपैंड करना पड़ता है, पोर्ट के जो जिसको हम डॉक बोलते हैं, यार्ड बोलते हैं, तो उस यार्ड की कैपेसिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी, कंटेनर की फैसिलिटी आपकी बढ़ानी पड़ेगी, सब कुछ डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक करना पड़ेगा, क्योंकि डिले नहीं होना चाहिए। वंस द शिप अराइव्स, एक साथ सारा कंटेनर आ रहा है, इतने बड़े बड़े वेसल आ रहे हैं, उनको एक साथ आपको ओपन करना है, एक साथ उनकी स्कैनिंग होनी है और उसके बाद वो डिस्पैच हो जाता है, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में चला जाता है, ट्रांसपोर्ट में चला जाता है। तो ये बहुत जल्दी जल्दी होता है, जितना एक एक सेकेंड की बात है, एक एक मिनट आप देर करोगे उतना कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि वैसे ही वाटरवेज महंगा है। तो और आप आने के बाद फिर और महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए और कॉस्ट नहीं बढ़ना चाहिए, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, क्रेन्स, बड़े, बहुत बड़े बड़े क्रेन्स चाहिए, तब जाके ये आप वेसल को उतार सकते हो वहां से, वापस आप बड़े जो जिसको क्या बोला जाता है, जो ट्रक होते हैं बड़े वाले, सबसे बड़े वाले कंटेनर ही है, लेकिन बोलते क्या है उनको? हाँ, जो भी है, समझ गए ना, ओपन काइंड ऑफ। तो उसको, उसके ऊपर सारे कंटेनर्स को आप डालते हो, वेसल्स को, सारे कंटेनर को डालते हो, फिर आप उसको निकाला जाता है वहां से। तो ये जो अपग्रेडेशन है, कितने बड़े बड़े ट्रक आएंगे जाएंगे, ये जो अपलिफ्टमेंट है, उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। तो इक्विपमेंट बढ़ाया गया, नवशेवा पोर्ट मुंबई वाला जो है उसको अपग्रेड करा गया, एनुअल कैपेसिटी ऑफ 24 लाख यूनिट तक इसको और बढ़ाया गया। यहां पे दे ही रखा है, न्यू कंटेनर टर्मिनल अदानी CMA मुंद्रा टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड हैज बीन फुल्ली ऑपरेशनल सिंस 2017 विद एन एडिशनल कैपेसिटी ऑफ 13 लाख इक्विवेलेंट यूनिट, 20 इक्विवेलेंट यूनिट। ठीक है, कभी देखा है पोर्ट पे गए हो कोई? गए हो, देखा है पोर्ट पे चीजों को उतारते चढ़ाते हुए किसी और ने?
ये भाई कोई मूवी ने 3 मिनट की चीज है उसके लिए क्या इतना इफेक्ट दिखा रहे फील कंटेनर यार्ड देख रहे हो मशीन सिंह की कंट्रोल ऑफिस तो इसको रिसेंटली अपग्रेड करा गया है अदानी अपग्रेड किया गया है और बिगेस्ट शिपिंग कंपनी है वो सीएमए इसके साथ है कि मैम हम तो अदानी ही ज्वाइन करेंगे बोलो कोई है अदानी नहीं ज्वाइन करना ठीक है डिसाइड कर लिया कौन से कंपनी है 10 कंपनीज जिनको ज्वाइन करना हाँ अच्छा उस अच्छे पैकेज वालों को आपका थोड़ी पता है ओके छोड़ो ठीक है सो दैट वाज मुंद्रा टर्मिनल अदानी मुंद्रा टर्मिनल जो कि श्वेता मैम मेघा मैम तन्वी मैम एंड खुद नीति सर 4 CS हैं हमारे पास हमारी जो कंपनी है कंपनी लॉ एकेडमी उसके लिए तो उसके ओनर ही CS हैं हमें तो जरूरत नहीं है हाँ हम रेफरेंस जरूर दे सकते हैं बस लेकिन आपको रेफरेंस की क्यों जरूरत पड़े आप खुद अपनी 10 कंपनीज चॉइस करो और उसको अभी से फॉलो करो तब जाके वो 10 ना करके 20 कर लो धीरे धीरे ये स्ट्रीमलाइन होगा 20 से 15 19 ऐसे करते करते फिर 8 10 फिर 5 फिर टारगेटेड बचेगा कि हाँ मुझे ये 3 4 में टारगेट करना है अभी से ही आपको ओपन एंड टारगेट है भाई आओ कोई आओ मुझे ले लो कोई नहीं आएगा ओके न्यू कंटेनर टर्मिनल अदानी सीएमए मुंद्रा टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड हैज बीन फुल्ली ऑपरेशनल ई संचित ऑनलाइन एप्लीकेशन अंडर सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर ट्रेड स्विफ्ट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इट अलाउज ट्रेडर्स टू सबमिट ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल सिग्नेचर्स के साथ आप इसको अपलोड कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करना ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं और टूट जाते हैं बिगड़ जाते हैं क्यों क्योंकि वो लीगली उतने साउंड नहीं होते ठीक है टर्म्स उनके साउंड नहीं होते या उसमें कुछ लूपहोल्स होता है तो लीगली उसको साउंड बनाना कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाना तो उसके लिए जुडिशियरी को बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता ठीक है तो एक सिंगल जुडिशियरी ग्रिड इंडिया में कोर्ट केसेस जितने हैं इतने ज्यादा हैं कि वो 20-30 साल तक कंप्लीट नहीं होने वाले तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि लॉयर्स उसको स्विफ्ट तरीके से जल्दी जुडिशियरी उसका एक सिंगल ग्रिड सिस्टम बनाए और कहीं भी वो ऑपरेशनल हो ऐसा नहीं कि कहीं का केस वहीं जाके मुझे करना है तो चीजें डिलेड हो जाती हैं तो यदि ये नेशनल एक ग्रिड सिस्टम होता है और जो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो वो वहीं सॉल्व हो जाए उसको हाई कोर्ट में और जाना ना पड़े या हाई कोर्ट वाला हाई कोर्ट में ही सॉल्व हो जाए सुप्रीम कोर्ट पे ना जाना पड़े क्योंकि ऐसे करते करते सुप्रीम कोर्ट पे सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है ठीक है तो ये सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाए तो शायद बिजनेस करने में और आसानी हो सकती है तो नेशनल एक जुडिशियल डेटा ग्रिड हैज बीन इंट्रोड्यूस विच मेक्स इट पॉसिबल टू जनरेट केस मेजरमेंट रिपोर्ट ऑन लोकल कोर्ट्स ठीक है लोकल कोर्ट्स में क्या चल रहा है ये यदि जैसे बैंक टू बैंक रजिस्ट्रेशन होता है बैंक की अपडेशन होती है बैंक की रिपोर्ट आरबीआई के पास रहती है क्लिक के साथ सारा रिपोर्ट आ जाता है Why not with district courts? Why not with rural courts?
वहां की भी यदि सिंगल ऐसा हम सिस्टम तैयार कर सकें तब भी ये इजी हो जाएगा, लोकल कोर्स की रिपोर्ट सबको मिलती रहेगी. सो द कमर्शियल कोर्स एक्ट 2015 हैज बीन अमेंडेड टू रिड्यूस द पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कमर्शियल कोर्स फ्रॉम 1 करोड़ टू 3 लाख टू एस्टैब्लिश कमर्शियल कोर्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको कमर्शियल कोर्स एस्टैब्लिश कर दिया गया ताकि 3 लाख रुपए तक का यदि केस है तो वो आराम से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा सकता है, उससे नीचे तो और नीचे लेवल पे सॉल्व हो जाता है. 3 लाख से 1 करोड़ तक के केसेस आप वहीं जुडिशियल कोर्ट्स में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा वहीं के वहीं सॉल्व हो जाएगा, डिस्प्यूट वहीं सॉल्व हो जाएगा, तो पेंडेंसी नहीं रहेगी. ठीक है, जो ये पेंडिंग केस की चीजें रहती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले स्टेट को भेज देते हैं, स्टेट में जो हाईकोर्ट होता है उसको सॉल्व करता है, वो नहीं होता, तो ये पेंडिंग चीजें को चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. तो लोकल लेवल पे यदि ये सॉल्व हो सके, और उसके लिए ऑफकोर्स एक नेशनल ग्रिड सिस्टम चाहिए, क्योंकि यदि सुप्रीम कोर्ट उसको मॉनिटर कर रहा है तो वो कैसे मॉनिटर करेगा, उसके सामने आएगा तो मॉनिटर कर पा रहा. तो लॉकडाउन में भी हमने इस चीज को फील किया और जुडिशियल ग्रिड बहुत तेजी से बना. लॉकडाउन में बहुत चीजें अच्छी, मैंने क्या बोला था, थ्रेट है अपॉर्चुनिटी भी है. तो ऐसी चीजें जो पेंडिंग थी, जो केसेस पेंडिंग थे क्योंकि कोर्ट केस नहीं हो रहे थे तो चीजें पेंडिंग वाली वो डिजिटली सॉल्व होने लगी. ठीक है, जो केसेस हैं वो डिजिटली होने लगे, वेबिनार के थ्रू होने लगे, कोर्ट डिजिटली चलने लगा, ऑनलाइन चलने लगा. तो ऐसा यदि सच में जो रियल टाइम अभी है, अभी यदि हम करें तो मल्टी डायमेंशनल केस एक साथ सॉल्व हो सकते हैं. इंसॉल्वेंसी सॉल्व करने के लिए आईबीबीआई बोर्ड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एडप्ट किया, रीऑर्गेनाइजेशन किया है कॉर्पोरेट के जो डेप्ट हैं, कंटिन्यूएशन ऑफ डेप्टर्स बिजनेस है, ये इंसॉल्वेंसी के प्रोसीडिंग्स में भी चलती रहे. ठीक है, जो आपके एसेट को फ्रीज ना किया जाए, यदि केस चल रहा है आपके अगेंस्ट, बैंक्रप्सी के अगेंस्ट यदि केस चल रहा है तब भी आपको बिजनेस रन कर दिया जाए ताकि आप शट डाउन पॉइंट आपका ना आए. प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैव बीन एस्टैब्लिश फॉर इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग एंड इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स. तो इसके लिए भी इनकी भी मदद ली गई है ताकि प्रोफेशनल्स हायर किए गए हैं या लिए गए हैं ताकि इंसॉल्वेंसी इजिली रिजोल्व हो सके. और सब कुछ टाइम बाउंड पे डिपेंड कर रहा है, यदि आपने टाइम से अकॉर्डिंग उसको रिजोल्व कर लिया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कोई भी बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं होगा. आप बिजनेस करने इंडिया आए हो और इंडिया में यदि बैंक्रप्सी लॉज आपको डिफिकल्ट लगे, आपको लगेगा कि पता नहीं बिजनेस तो अनसर्टन है, और सच में यदि कभी मैं इंसॉल्वेंट बन गया या बैंक्रप्ट हो गया तो यहां तो बिजनेस रन करना ही मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि बिजनेस यदि लॉस में जा रहा है तो मैं ऑफकोर्स रैप अप करके ही जाना चाहूंगी, लेकिन रैप अप भी आप मेरे को लेट करवा रहे हो. ठीक है, तो मैं दोनों सिचुएशन ही सोचूंगी ना, मैं प्रॉफिट करूंगी, बिजनेस आगे बढ़ाऊंगी, वो भी मैं सोच के आ रही हूं, एंड एट द सेम टाइम ये भी सोच रही हूं कि इनकेस लॉस हो गया तो मुझे बिजनेस को बंद करके जाना पड़ेगा या लोन से जो मैं बिजनेस करूं, मैं हो सकती हूं मैं बैंक्रप्ट हो जाऊं. लेकिन बैंक्रप्ट के जो केस चलेगा वो यदि 10-20 इयर्स चलने लगा तो मैं यहां इतना बड़ा रिस्क लेके कोई यहां बिजनेस करने नहीं आएगा. ठीक है, तो टाइम बाउंड मैनर में जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड है वो एश्योर करता है कि हम प्रोफेशनल हायर करेंगे, ऑडिटर हायर करेंगे, सीएस हायर करेंगे, ये लोग आपकी कंपनी की प्रॉपर ऑडिट करके किसका क्या ड्यू रहता है, कौन डेप्टर है, कौन क्रेडिटर है, कितना क्रेडिट ड्यू रहेगा, कितना डेप्टर हो गया, कितने स्टेक होल्डर्स को पैसे देने हैं. ठीक है, तो ये सारी केसेस आईबीबीआई देखता है. सेक्शन 42 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 हैज बीन अमेंडेड टू प्रोवाइड दैट अ क्रेडिटर हैज द राइट टू ऑब्जेक्ट. जो डिसीजन दिया जाता है उसके अगेंस्ट क्रेडिटर ऑब्जेक्ट कर सकता है. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस रिफॉर्म बाई स्टेट, जो आपने स्टेट वाली भी रैंकिंग की, आंध्र प्रदेश, सेकंड क्या है उत्तर प्रदेश, थर्ड तेलंगाना, फोर्थ मध्य प्रदेश, फिफ्थ झारखंड. तो ये जो DPIIT अपना एक रैंकिंग निकालती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंकिंग निकालती है, तो रेगुलर बेसिस पे ये रिफॉर्म पॉइंट बेसिस पे रिफॉर्म निकालते हैं कि आज ये 300 पॉइंट्स है आपको अप्लाई करना पड़ेगा. जो जितना अप्लाई करेगा उसकी रैंकिंग उतनी बेटर होगी, जिसकी रैंकिंग जितनी बेटर होगी इन्वेस्टमेंट उस इकोनॉमी में उतना ज्यादा आएगा. ठीक है, तो डिपार्टमेंट हैज स्पीयर हेडेड अ डायनामिक रिफॉर्म एक्सरसाइज दैट कमेंस दैट स्टार्टेड इन 2015 टू रैंक ऑल द स्टेट
बेस्ड ऑन इम्प्लीमेंटेशन, आपने जो रिफॉर्म पैरामीटर सेट किया है उस पैरामीटर के को कितना लोग अप्लाई कर रहे हैं, कितने स्टेट अप्लाई कर रहे हैं, कितने हद तक अप्लाई कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे रैंकिंग सिस्टम करा गया। तो ये क्यों करा, ताकि बिजनेस करने में कंपटीशन हो, हर स्टेट दूसरे स्टेट के साथ कंपीट करे फ्लो ऑफ बिजनेस ले आने में, ठीक है, एनवायरमेंट को, बिजनेस एनवायरमेंट को और अच्छा बनाने में, रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने में। एक ऑनलाइन पोर्टल उन्होंने डेवलप किया है, ये अभी सर्च करना आप लोग, DIPP http://DIPPgovernment.in। Not only startups, any kind of business. Internal trade को promote करने के लिए startups is a part of it. तो DPIIT को भी आप अपने ट्वीट के साथ जोड़ सकते हो। कितने ऑर्गेनाइजेशन MCA को जोड़ा है, NCLT को जोड़ा है, नीति आयोग को जोड़ा है, ठीक है, तो आप इसके साथ सुप्रीम कोर्ट को जोड़ सकते हो, हाई कोर्ट को जोड़ सकते हो कि मैम मेरे ट्वीट में यही यही दिखेंगे, फिर दिखने दो, नोटिफिकेशन आते रहेंगे। Top improvers since 2015, Startup India, Northeast Development, Ease of Doing Business. ये देखो 100 Days Initiative and Achievements, Industrial Corridors. हरदीप सिंह पुरी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म, गेटिंग क्रेडिट, पेइंग टैक्सेस, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, कंस्ट्रक्शन परमिट, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्ट्रिंग प्रॉपर्टी, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये कुछ पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे आप रैंक कर रहे हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग कर रहे हो। ये इंडिया का पैरामीटर है, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, क्या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, डेलीगेशन, जापान विजिट, लाइसेंसिंग, सिक्योरिटी मैनुअल, ये सब आपको देना पड़ता है जब इंडस्ट्री के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक, सो दैट वाज अबाउट DPIIT। ये क्या किसका लोगो है, ये स्वच्छ भारत अभियान, स्टार्टअप इंडिया। स्टेट्स रैंकिंग, चलो जब तक खुलता है, ओके, इनिशिएटिव टेकन बाय DPIIT इन स्टेट रैंकिंग। सो द एम इज टू एक्सरसाइज अ कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरमेंट, इन्वेस्टर फ्रेंडली एक बिजनेस एनवायरमेंट ये बनाए। एक ऑनलाइन पोर्टल इन्होंने बनाया है जिससे हमें डायनामिक रैंकिंग का पता चलता है, अपडेट का पता चलता है,
कोई भी रिफॉर्म पॉइंट के बारे में पता चलता है, 372 एक्शन पॉइंट, इतने पॉइंट आपको इम्प्लीमेंट करने हैं रिगार्डिंग ट्रेड लाइसेंस, इंस्पेक्शन सिस्टम, रजिस्ट्रेशन, मेट्रोलॉजी से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड 372 पॉइंट्स हैं जिसको हम एडेयर करते हैं तो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग अच्छी होती है। इनिशिएटिव क्या है, नेशन वाइड वर्कशॉप, ये बराबर आप यदि तब भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये लोग रेगुलर वर्कशॉप कंडक्ट करवाते हैं 29 जुलाई 2017 टू डिस्कस द रेलेवेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग रिफॉर्म्स, ठीक है। पूरे दिन, एक दिन पूरा दिन कॉन्फ्रेंस चल रहा है, 100 पार्टिसिपेंट है फ्रॉम 26 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। यूनिक हैंड होल्डिंग मेथड, हैंड होल्डिंग का मेथड मतलब होता है एक वीक और एक स्ट्रांग, दोनों एक दूसरे से मिला रहे हैं हाथ, तो दैट इज हैंड होल्डिंग मेथड। जैसे लाइक वेस्ट बंगाल एंड नागालैंड, वेस्ट बंगाल से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वहां अच्छा है, वहां परमिशन वगैरह जल्दी मिल रही है, या कंस्ट्रक्शन परमिट, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, पोर्ट फैसिलिटीज है, तो एक स्ट्रांग स्टेट, और एक नागालैंड जहां से लेसर चीजें हो रही हैं। तो इन दोनों का वर्कशॉप जब हुआ तो वेस्ट बंगाल ने उनको हेल्प करी कि कैसे कैसे क्या करा जाए, क्या करने से उनकी इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बेटर हो सकता है, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट हैंड होल्डिंग मेथड, वेस्ट बंगाल एंड नागालैंड। हर स्टेट, इवन मेनली इस बार की जो गवर्नमेंट है, ये जो मेक इन इंडिया एंड जो भी प्रोजेक्ट है, सारा नॉर्थ ईस्ट अप्रोच है। आप इवन DPIIT के मेन पेज पे आपने नॉर्थ ईस्ट का आइकॉन देख लिया था, ठीक है। तो दैट मीन्स नॉर्थ ईस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट गेट अवे फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो उसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा वर्कशॉप कंडक्ट करवाए हैं फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। तो प्रायोरिटी रिफॉर्म नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए 8 वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाया गया था डिफरेंट स्टेट्स में। हैंड होल्डिंग मेथड से नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को एक स्ट्रांग स्टेट के साथ जोड़ा गया, एंड एक्शन प्लान को उसको देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की रैंकिंग करी। इंडिया इंटरनली ये काम करता है, उसको देखते हुए वर्ल्ड बैंक अपना रिपोर्ट बनाता है, ठीक। तो अचीवमेंट क्या हुआ, 19 स्टेट्स ने इंफॉर्मेशन विजर्ड बना लिया। कोई जरूरत नहीं है, यही बोल रही हूं, लेकिन जब आप वर्ल्ड बैंकिंग रैंकिंग करना चाह रहे हो, आप उसके पार्टिसिपेंट हो, तो आप अपने परफॉर्मेंस को जरूर दिखाना चाहोगे। तो ये रिपोर्ट उनकी टीम आती है या हम उनको भेज रहे हैं, तो ये टीम रिपोर्ट उनके पास जाती है तो ही हमारी वर्ल्ड रैंकिंग आती है। उसको कैसे पता चलेगा कि चेंज कर सकते हैं, मतलब नहीं, उनकी टीम आती है और ये इंस्पेक्ट करती है कि आपका, वो तो दिख जाएगा ना, आपका पैसा आ रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, जापान आपके साथ इंडस्ट्री बना रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, कोऑपरेट कर रहा है, तो पैसा आ रहा है, ये तो दिख रहा है। कोई तो कंट्री है जो कर रही है, तो वो तो बाहर की है, तो वैसे भी दिखेगी, इंटरनली भी दिखेगी, बाहर भी दिखेगी, तो वो दिख जाता, ठीक है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम वर्ल्ड बैंक को पैसे खिला के रिपोर्ट अपग्रेड करवा सके। नहीं, ऐसा नहीं। देखो, एक कंट्री होती ना तो बात है, लेकिन जब UAE है, सऊदी अरबिया है, जापान है, वियतनाम है, और सब कहीं ना कहीं एक दूसरे के अगेंस्ट है, तो अब मैं यदि बोलूं कि साउथ वियतनाम ने इतना इन्वेस्ट किया है, देखो मैंने पेपर वर्क में दिखा दिया, तो जरूर साउथ कोरिया कुछ ना कुछ बोलेगी कि भाई ये कैसे हुआ, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इतने हाई लेवल पे करप्शन नहीं होता, एक इंडिविजुअल से हो सकता, लेकिन कंट्री वाइज नहीं होता। तो इन्फॉर्मेशन विजर्ड का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन देना आपको स्टेट का, जब गवर्नमेंट का पेज खोलते हो, कोई भी स्टेट का, उड़ीसा का या झारखंड का, आप होम पेज खोलोगे, गवर्नमेंट का जो पेज खोलोगे, वहीं पे आपको इन्फॉर्मेशन विजर्ड मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन डिटेलिंग मिल जाएगी कि यहाँ पे इस स्टेट में पहले ही वो दे देते इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पेज वहीं खोल रहा है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। गवर्नमेंट से रिलेटेड होम पेज कौन खोलेगा जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्फॉर्मेशन वहां होती है जो इंडस्ट्रियल यूनिट वहां लगाना चाहता है। 21 स्टेट ने सबने ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम कर लिया कि आप वेब पेज पे जाओ, एक ही पेज पे जाओ, सारी क्लियरेंस आपको, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उड़ीसा में तो आपको सारे क्लियरेंस आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड, सपोज आपको पूछेंगे आर यू अ इन्वेस्टर, आर यू अ सप्लायर, आर यू अ बैंकर, आर यू अ विजिटर, आर यू दिस, आप जब क्वेरी करते हो आंसर आ गया तो आपको अपने आप लिंक के
थ्रू आपको लेके जाए। आप इन्वेस्टर हो तो आपको पूछेंगे कौन सा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट हो गया तो आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, अपलोड दम, ठीक है, विद इन 24 आवर्स आपके उनके तरफ से आपको फोन या मैसेज या मेल आता, फिर क्लियरेंस वो सारा करवाते हैं, इतना सिंपल, ठीक है। तो ये होता है सिंगल विंडो सिस्टम। 16 स्टेट्स हैव स्टिप्यूलेटेड कंस्ट्रक्शन परमिट, ठीक है। अभी ये बोलोगे मैम ये डेट ये याद रखने पड़ेंगे क्या, अभी 3 अटेम्प्ट हुए हैं, 3 में से हार्डली कोई, मैं 5-10 स्टूडेंट का बोल सकती हूँ जिनके पास ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये मुश्किल है, मैं भी याद नहीं रख पाऊंगी कितने स्टेट में क्या इम्प्रूवमेंट हुई थी। 16 नाम बोल सकती हूँ, आंध्रा में हुआ था, तेलंगाना में हुआ था, लेकिन कितने 21 स्टेट्स ने कंस्ट्रक्शन परमिट किया था, 16 स्टेट्स ने ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम किया था, ये मुश्किल है याद रखना। तो इनमें से देख लेते हैं कि कौन आया है, वही मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ। अब देखो इसमें से ये याद रहेगा क्योंकि ये सिंगल विंडो सिस्टम बहुत इजी है याद रखना, 21 स्टेट में सिंगल विंडो सिस्टम हुआ था। इसमें से पॉइंट 3 में देखो, तेलंगाना असम एंड तमिलनाडु, क्योंकि नाम है ये याद रह सकता है, तेलंगाना असम एंड तमिलनाडु हैव मैंडेटेड शॉर्टर टाइमलाइन, किसके लिए, कंस्ट्रक्शन परमिट के लिए शॉर्टर टाइमलाइन कर दिया है। तमिलनाडु ने तो पूरा का पूरा हैज डन अवे विद द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट माना जाता है इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये पहले भी था आज भी है। तमिलनाडु में एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिस, जिनको आप बाबू या आईएएस ऑफिसर बोलो, जो भी बोलो, ये लोग बड़ा बहुत इफिशियंट है। ये जो सिंगल विंडो सिस्टम हम बोल रहे हैं ये बहुत पहले से तमिलनाडु में हो चुका है, सामने से हमें भागना नहीं पड़ रहा, वो सामने से आके आपकी क्लियरेंस करवा के दे रहे हैं। तो तमिलनाडु हैज कंप्लीटली डन अवे विद अ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कंस्ट्रक्शन परमिट के बाद आपको एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए, तब जाके आप उसकी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आपको मिलती है। तो आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको पहले ही ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। 21 स्टेट्स में हैव इम्प्लीमेंटेड जियोग्राफिकल इंस्पेक्शन सिस्टम, ठीक है। जीआईएस सिस्टम एक टेक्नोलॉजिकल सिस्टम होता है जिससे उस एरिया का जियोग्राफिकल फैक्टर पता चलता है, जो आपके लिए कमर्शियल कितना वायबल है ये बताता है, ठीक है। तो जीआईएस सिस्टम टू प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट द लैंड। 23 स्टेट्स हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसको उन्होंने सिर्फ 2 तक रिड्यूस कर दिया 23 स्टेट्स ने। तो इसमें से पॉइंट 3 आपको याद रखना है। फिर आता है पॉइंट 7 जिसमें अगेन नाम है झारखंड, महाराष्ट्र एंड गुजरात, इन्होंने कोड फीस, जो प्रोसेसिंग फीस होती है वो एकदम मिनिमम कर रखी है, सिंगल ट्रांजैक्शन कर रखा है, मिनिमम कर रखी है। पोल्यूशन सर्टिफिकेट एकदम एग्जम्प्ट कर दिया बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए। बस बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में भी, इसमें भी कुछ खास आपको पढ़ना नहीं है, बिजनेस एक्शन रिफॉर्म प्लान, क्योंकि आप रैंकिंग ऑलरेडी देख चुके हो, तो अब उसमें इनिशिएटिव 7 वर्कशॉप्स कहां कहां करे गए, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, 8 रीजनल वर्कशॉप में लखनऊ, तो मैं आई डोंट थिंक देर कैन बी एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू, क्या पैटर्न करेंगे, इससे कुछ क्वेश्चन करने लायक पैटर्न है भी नहीं, ठीक है। कि तो इस चैप्टर से क्वेश्चन करने लायक एरिया तो मैंने एक तो आपको वो बताया था, सबसे पहले पेज पे क्या था, वो जनरल एंड स्पेसिफिक वाला, हाँ कौन सा बोला, ओ अच्छा 2 इलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए कहाँ पे था, यहीं था ये ना, इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको जो सर्टिफिकेट्स देने पड़ते थे, ठीक है, जितने सर्टिफिकेट्स पहले देने पड़ते थे अब उसको रिड्यूस टू 2 दे दिया गया है। जैसे आपका यदि बिल्डिंग कंप्लीट हो गया है तो आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल चुकी है, तो आपका इलेक्ट्रिक, क्योंकि कनेक्शन ऑलरेडी हो चुका होता है, सिर्फ वहां से ऑन करना होता है, तो एक वो सर्टिफिकेट होता है और एक मोस्ट प्रोबेबली आपका जो प्रॉपर्टी के साथ बाइंग या रेंटल का जो एग्रीमेंट हो रखा होता है वो एग्रीमेंट की जरूरत होती है। सिर्फ 2 सर्टिफिकेट की जरूरत होती है तब आपको
इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। तो फर्स्ट पेज में हमें चैप्टर से आप क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो फर्स्ट पेज में आपका बन रहा है ठीक है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स पॉइंट टू के टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट में पॉलिटिकल एनवायरमेंट, ये एनवायरमेंट के एग्जांपल्स गिवन होंगे नेक्स्ट पेज में जो है एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स गिवन होंगे आपको आइडेंटिफाई करने हैं कौन से एनवायरमेंट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपको रैंकिंग पूछेंगे जिसमें मैंने तीन बोला था 1, 2, 3 कंस्ट्रक्शन परमिट ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर स्टार्टिंग अ बिजनेस, इन तीन की रैंकिंग पूछेंगे, इंडिया की ओवरऑल रैंकिंग कितनी इंप्रूव हुई वो पूछेंगे, डिस्टेंस टू फ्रंटियर जैसे न्यूजीलैंड का बेस्ट है इंडिकेटर तो उसने उस परफॉर्मेंस के हिसाब से यदि मैं जापान को कंपेयर करूं तो यदि वो 100 है और उसने यदि 70 करा है तो डिस्टेंस टू फ्रंटियर 30 हो गया। फ्रंटियर का मतलब एरिया बाउंड्री मैक्सिमम, तो मैक्सिमम उसका बेस्ट है तो उस बेस्ट से हम कंपेयर कर रहे हैं तो मेरा स्कोर के अकॉर्डिंग एरिया नहीं उसका परफॉर्मेंस लिया जाता है। जैसे स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस में उसने उसने 10 रिफॉर्म पॉइंट्स लगाए हैं, 10 पॉइंट्स परमिट से या बिजनेस स्टार्ट करने से 10 पॉइंट्स आपको ने कर दिया टिक 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 टिक, उसमें न्यूजीलैंड ने 10 out of 10 है उसने वैसा ही किया है, लेकिन यदि जापान ने उसमें से 3 किया है या 6 किया है या 7 किया है तो अप टू द मार्क तो नहीं हुआ, तो ये जो गैप है इसको बोल रहे हैं डिस्टेंस है, डिस्टेंस टू फ्रंटियर। कंस्ट्रक्शन परमिट में डीटीएफ स्कोर पूछ सकते हैं ठीक है, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर में ई संचित बोला था मैंने, स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस में सी वाला पॉइंट स्पाइस वाला फॉर्म, ठीक है रैंकिंग है वापस यदि याद रख सकते हो तो रैंकिंग, डीपीआईआईटी का फुल फॉर्म, फिर यहां से तो ये पूरा ही स्टार्टिंग अ बिजनेस मैंने तो सारे पॉइंट बोले ठीक है, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग अ बिजनेस के। कंस्ट्रक्शन परमिट्स में वो ट्रू फॉल्स काइंड ऑफ, क्योंकि इसमें याद करने लायक कुछ जगह है नहीं तो खाली रीडिंग ही है। 25,000 इन इलेक्ट्रिफाइड एरियाज, पेइंग टैक्सेस में 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को उस जीएसटी में कन्वर्ट करा गया ठीक है, 250 करोड़ तक 25% इनकम कॉर्पोरेट टैक्स, ईपीएफ डिपॉजिट लिंक से करा गया है, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर में ई फुल फॉर्म और 372 एक्शन पॉइंट्स, 0.4 0.5 का 2.2 जहां वेस्ट बंगाल और नागालैंड की बात करी जा रही है बस इसमें जब आप रिफॉर्म पॉइंट देख रहे हो 2017-18 में उसमें गुजरात महाराष्ट्र झारखंड वाला एंड 3 and 6 ठीक है, बाकी तो क्वेश्चंस आपके बुक में है, मैंने जो बुक दी है उसमें है, वो सारे क्वेश्चंस भी साथ साथ करना, बस हो गया चैप्टर ठीक है। तो चैप्टर 7 हो गया है ओके, चलो चैप्टर 7 कंप्लीट।